हेलो एंड वेलकम टू कैम्फी। आज हम स्टार्ट करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट टू। आई होप कि आप सबने वन शॉट में पार्ट वन देख लिया होगा। अब हम पार्ट टू आज करेंगे जिसमें हम पूरा चैप्टर आज जो है हम कंप्लीट कर लेंगे। आई होप कि आप सबने पार्ट वन देख लिया होगा जिसमें हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताया था, सेल के बारे में समझा था और प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या फ़र्क होता है वो हमने देखा था। लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा था कि यूकैरियोटिक सेल में किस तरह के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और क्या क्या उनकी फंक्शंस होती है। तो आज की क्लास में हम वो सब बातें करेंगे। हम लास्ट में ये पढ़ेंगे कि एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है, वो हम डिफरेंस समझेंगे और इस तरह से आज हम करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नहीं तो कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगी। कमेंट सेक्शन में पिंड आपको हमारे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, आप वो ग्रुप ज्वाइन कीजिए। उस चैनल पे मतलब जो टेलीग्राम चैनल है उस पे जो है आपको जितने भी हमारे क्लास के नोट्स है फुल डिटेल नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड जो नोट्स है वो आपको मिलेंगे, ठीक है। सो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत है तो आप उसके बारे में कमेंट्स में हमें बताइए, क्योंकि हम तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। सो एनिमल सेल और प्लांट सेल में जो डिफरेंस है हम वो लास्ट में देखेंगे। और अगर अभी तक आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा पार्ट वन। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल पर डिफरेंस हम लास्ट में देखेंगे जब हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इस पार्ट को हम थोड़ा सा एक पॉज देते और आगे के तरफ पढ़ते यूकैरियोटिक सेल। देखिए, यूकैरियोटिक सेल पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि ये जो साइटोप्लाज्म होता है, नाम तो सुना ही होगा 10th तक, और प्रोटोप्लाज्म जो होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। देखो, सबको पता है सेल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, न्यूक्लियस होता है, सब सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं ना, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये जितना ये एरिया है ना सेल के अंदर का, ये जो ये सेल है हमारा, ये सेल के अंदर ये एरिया है, इस एरिया को हम क्या कहेंगे जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स है, साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म इज द प्रोटोप्लाज्म एनक्लोज बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल एक्सक्लूडिंग द न्यूक्लियस इन अ यूकैरियोटिक सेल एंड सेलुलर डीएनए इन प्रोकैरियोटिक, ठीक है। कहना क्या चाह रहा है, साइटोप्लाज्म मतलब वो पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक ऐसा प्रोटोप्लाज्म है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एनक्लोज है, ये जितना एरिया ये सब क्या है, साइटोप्लाज्म में। लेकिन यहाँ ये वाला एरिया जहाँ पर न्यूक्लियस लोकेटेड है, ये देखो, ये जो एरिया यहाँ पर न्यूक्लियस है और ये जो बाकी का एरिया है, बाकी के एरिया में बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स, लेकिन जो न्यूक्लियस वाला एरिया है ये साइटोप्लाज्म में नहीं आता है, बाकी ये जितना एरिया है वो साइटोप्लाज्म में आता है। अच्छा, ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, देखो प्रोटोप्लाज्म जूम करके देखते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज द कलरलेस मटीरियल। प्रोटोप्लाज्म क्या है, एक कलरलेस मटेरियल है कंप्राइजिंग द लिविंग पार्ट ऑफ अ सेल इंक्लूडिंग साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स। साफ सीधी बात में अगर मैं आपको बताऊं तो साइटोप्लाज्म प्लस जो भी हमारा न्यूक्लियस है, अगर प्रोकैरियोट रहा तो न्यूक्लियस नहीं रहेगा, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल रहेगा, प्लस साइटोप्लाज्म प्लस ये इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। तो एक बार फटाफट समझते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना एरिया है, जितना भी प्रोटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस को छोड़कर, इतना एरिया छोड़कर बाकी जितना भी पार्ट है वो है साइटोप्लाज्म। अगर हम न्यूक्लियस को भी इंक्लूड कर ले तो वो हो गया प्रोटोप्लाज्म। तो ये हो गया साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस हो गया तो प्रोटोप्लाज्म। तो ये आपको फर्क समझ आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट यूकैरियोटिक सेल में। देखो, यूकैरियोटिक सेल के ना तीन भाग होते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल के तीन पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है हमारे पास लिविंग, एक होता है पार्टली लिविंग मतलब आधा लिविंग आधा नॉन लिविंग,
और तीसरा जो होता है वो होता है नॉन लिविंग पार्ट। तो एक सेल के अंदर तीन पार्ट होते हैं, एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर तीन पार्ट होते हैं, एक होता है लिविंग पार्ट, एक होता है पार्टली लिविंग मतलब आधा लिविंग आधा नॉन लिविंग, और एक होता है नॉन लिविंग पार्ट। तो नॉन लिविंग वाले एरिया कौन से है? हमारी सेल वॉल। यूकैरियोट की जो सेल वॉल होती है वो नॉन लिविंग होती है, यूकैरियोट्स की सेल वॉल नॉन लिविंग होती है कि नहीं? पार्टली लिविंग पार्ट कौन सा है हमारा? हमारा जो है वैक्यूल, जो वैक्यूल है ना वो पार्टली लिविंग है। वैक्यूल क्या है? पार्टली लिविंग, इसमें आधा पार्ट लिविंग है आधा पार्ट नॉन लिविंग है। उसी जगह उसी तरह जो तीसरा है हमारा लिविंग पार्ट, यूकैरियोटिक सेल का जो लिविंग पार्ट है वो है हमारा प्रोटोप्लाज्म। जितना प्रोटोप्लाज्म था ना पूरा वो लिविंग है। प्रोटोप्लाज्म मतलब ये जो पूरा है ना ये अंदर का ये पूरा लिविंग है ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या आता है? प्रोटोप्लाज्म में आ जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर आ जाता है न्यूक्लियस है कि नहीं, फिर आ जाता है साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये देखो, जैसे ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये पूरा साइटोप्लाज्म है और इसके अंदर एक छोटा सा गोल क्या है? न्यूक्लियस है कि नहीं? इस तरह का रफ डायग्राम। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म ये सब लिविंग है ठीक है। अच्छा, साइटोप्लाज्म के भी कुछ पार्ट है। साइटोप्लाज्म में क्या क्या आता है? साइटोप्लाज्म में आ जाती है हमारी सारी सेल ऑर्गेनिल्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, ईआर है, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गॉल्जी बॉडीज है ये सब। उसी तरह एक और पार्ट आता है ड्यूटोप्लाज्म। ड्यूटोप्लाज्म इज अ पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म विच इंक्लूड्स इंक्लूजन बॉडी, विच इंक्लूड्स इंक्लूजन बॉडीज। इसके अंदर क्या होती है? इंक्लूजन बॉडीज होती है। और ये जो साइटोप्लाज्म का जो पार्ट, साइटोप्लाज्म का वो पार्ट जिसमें इंक्लूजन बॉडीज है वो नॉन लिविंग है, मतलब ड्यूटोप्लाज्म क्या है? नॉन लिविंग ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम हाइलोप्लाज्म में। किस पे आ जाते हैं हम? हाइलोप्लाज्म में। हाइलोप्लाज्म क्या होता है आइए देखते हैं। हाइलोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म में से आप सेल ऑर्गेनेल्स हटा दो, मतलब सेल ऑर्गेनेल्स मतलब ये हमारा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में से कुछ एरिया जो है वो सेल ऑर्गेनेल्स ने घेर लिया, कुछ एरिया ड्यूटोप्लाज्म ने घेर लिया। अब जो बचा हुआ पार्ट है ना ये हमारे पास हाइलोप्लाज्म। सो हाइलोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनेल माइनस ड्यूटोप्लाज्म इज हाइलोप्लाज्म, जो बच गया पार्ट वो हाइलोप्लाज्म ठीक है। वैसे हाइलोप्लाज्म के बारे में एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है ठीक है। आइए अब हम एक एक सेल ऑर्गेनेल को पढ़ेंगे, हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, यूकैरियोट्स के, हम हर एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे ठीक है। ठीक है, सो सेल वॉल हम देखते हैं। सेल वॉल के बारे में क्या क्या देख रखा है वो हम पहले पढ़ते हैं। सेल वॉल, सेल वॉल इट इज एब्सेंट इन एनिमल एंड गैमेट ऑफ प्लांट। देखो जो प्लांट के गैमेट्स होते हैं, और हम जो है हम भी एनिमल्स में आते हैं, तो एनिमल्स में और प्लांट के गैमेट में सेल वॉल नहीं दिखेंगी, तो ये बात याद रख लो है कि नहीं? चलो नेक्स्ट पॉइंट, सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स शेप टू द सेल, टू द सेल इट इज सेल, ये क्या है? ये सेल लिखा हुआ है, ऑल हो गया ठीक है, सेल, एंड प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। इट ऑल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरैक्शन एंड प्रोवाइड्स बेरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल्स ठीक है। सो सेल के बारे में ये देखे रखा है कि सेल नॉट ओनली गिव्स है कि नहीं, नॉट ओनली गिव्स शेप, ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द सेल है कि नहीं, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है कि नहीं? सिर्फ शेप नहीं दे रहा है, शेप भी दे रहा है और क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन भी कर रहा है। कैसे प्रोटेक्शन कर रहा है? मैकेनिकल डैमेज से बचा रहा है, अगर उस सेल को इन्फेक्शन ना हो उससे, मतलब सेल को इन्फेक्शन ना हो उस चीज़ का भी ध्यान रख रहा है सेल वॉल है कि नहीं, इन्फेक्शन से और मैकेनिकल डैमेज से हमें बचा रहा है ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी ये हेल्प कर रहा है कौन? सेल वॉल ठीक है।
और जितने भी अनडिजायरेबल है ना, अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल, उनको रोक रहा है कैसे, बैरियर के रूप में, है कि नहीं। जितने भी अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल्स है वो सेल के अंदर ना आ जाए, उस चीज़ का भी ख्याल रख रहा है हमारा सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या एक प्रोटेक्शन की तरह हमें हेल्प कर रहा है। देखो अगर हम प्लांट सेल वॉल की बात करें, एनिमल्स में तो मिलता नहीं है, प्लांट सेल वॉल की बात करें, एल्गी की सेल वॉल की बात करें, या फंगाई की मतलब फंगल सेल वॉल की बात करें, सो प्लांट सेल वॉल को आप कैसे समझोगे। देखो इसको ना एकदम इजी तरीके से समझते हैं। आपने कभी देखा है कंस्ट्रक्शन का काम कि दीवार कैसे बनती है, दीवार कैसे बनती है, ईंट, है कि नहीं, ईंट ईंट ईंट, ऐसे ब्रिक्स, है कि नहीं, ब्रिक्स के हेल्प से, और उसमें क्या लगता है, सीमेंट, है कि नहीं, सीमेंट लगता है, ब्रिक लगाते हैं, फिर सीमेंट, फिर ब्रिक, और ऐसा, है कि नहीं, इस तरह से जो है एक दीवार को बनाया जाता है। उसी तरह सेल वॉल भी इसी तरह से बनी हुई, कैसे, आप जो है माइक्रो फाइब्रिल्स को ईंट की तरह समझिए, है कि नहीं। माइक्रो फाइब्रिल्स क्या है, प्लांट की मतलब कोई भी सेल वॉल की जो ईंट है, सेल वॉल की जो ईंट है वो क्या है, माइक्रो फाइब्रिल्स, ठीक है। सीमेंट क्या है, सीमेंट क्या है, सीमेंट को हम कहते हैं मैट्रिक्स, है कि नहीं, सीमेंट को हम कहते हैं मैट्रिक्स, और माइक्रो फाइब्रिल क्या है, ईंट। तो यहाँ पर जो ईट है वो सेल्यूलोस की बनी है, प्लांट सेल वॉल में जो ईट है, जो माइक्रो फाइब्रिल है वो सेल्यूलोस की बनी है कि नहीं, सेल्यूलोस सेल्यूलोस सेल्यूलोस, और उसमें जो सीमेंट है, जो मैट्रिक्स है वो क्या है, हेमी सेल्यूलोस का है, पेक्टिन का है, और लिग्निन का है, ठीक है। हेमी सेल्यूलोस का भी हो सकता है, पेक्टिन का भी हो सकता है, लिग्निन का भी हो सकता है, तो ये सब बातें याद रखना। दूसरी बात, एल्गी की सेल वॉल में माइक्रो फाइब्रिल्स क्या है और मैट्रिक्स क्या है। अगर हम एल्गी के सेल वॉल की बात करें तो एल्गी के सेल वॉल में माइक्रो फाइब्रिल्स जो है वो सेल्यूलोस के होते हैं, जस्ट लाइक प्लांट सेल वॉल। यहाँ पर भी जो ईट है वो सेल्यूलोस की है, यहाँ पर भी जो ईट है वो सेल्यूलोस की है, बट सीमेंट अलग अलग है कि नहीं, बट सीमेंट अलग अलग है। यहाँ पर है हेमी सेल्यूलोस, पेक्टिन और लिग्निन, यहाँ पर है गैलेक्टन्स मैनन्स, है कि नहीं, यहाँ पर क्या है, गैलेक्टन्स मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और यहाँ पर ना, यहाँ पर भी हमें ओ मतलब लाइक गैलेक्टन्स मैनन्स और मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट तो है ही, साथ में हेमी सेल्यूलोस, हेमी सेल्यूलोस और पेक्टिन भी देखने को मिलता है, यहाँ पर भी दिखता हेमी सेल्यूलोस और पेक्टिन, लिग्निन नहीं मिलता है, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हम आ जाते हैं फंगल की सेल वॉल पे, है कि नहीं। सो फंगाई की सेल वॉल में काइटिन होता है और सेल्यूलोज होता है, जो काइटिन होता है वो 90% होता है, जो सेल्यूलोज होता है वो 10% होता है, काइटिन 90% सेल्यूलोज 10%। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट। अब हम आ जाते हैं सेल मेम्ब्रेन में, सेल वॉल समझ आ गया कैसा है। लेकिन सेल वॉल के बाद हम सेल मेम्ब्रेन पे नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा ना सेल वॉल पर और समय देंगे, ठीक है। सेल वॉल को समझते हैं कि सेल वॉल आखिर बनती कैसे। जब भी देखो सेल डिवीजन होता है ना, अब मैं आपको हैंड रिटन बताता हूँ, अब ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट फिर भी हम पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अगर आपको सेल वॉल कैसे बनती है वो देखना है तो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो सेल डिवीजन सबको पता है, सेल डिवीजन कैसा होता है, स्पिंडल फॉर्मेशन होती है, दो सेल डिवाइड होते हैं, उनके न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, ठीक है, इतना सबको आता है। तो मान लो ये था हमारे पास एक सेल, ये था हमारे पास एक सेल, ये सेल है। अब ये सेल में क्या हुआ था, डिवीजन हुआ था, सेल डिवीजन, तो ये सेल में डिवीजन हुआ, तो सेल में डिवीजन हुआ तो उसके न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, ये इसकी सेल वॉल है कि नहीं। ये मैं आपको लाइव बना के दिखा रहा हूं, तो ये सेल में क्या हुआ, जो भी न्यूक्लियस था वो डिवाइड होने लगा, है कि नहीं, ये न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, ये सेल दो हिस्सों में बंटने वाला है। अब क्या होगा, जो स्पिंडल फाइबर्स जो इसको डिवाइड करते हैं, तो स्पिंडल फाइबर्स टूट जाते हैं, और स्पिंडल फाइबर्स क्या होता है, जब आप सेल डिवीजन पढ़ोगे तब और अच्छे से समझ आएगा, बट थोड़ा भी जान लो, ये जो स्पिंडल फाइबर्स है वो यहाँ जमा हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स यहाँ जमा हो जाएंगे, ठीक है। सो हम कह सकते हैं दैट रेमिनेंट्स मतलब जो अवशेष है किसके,
रेमिनेंट्स ऑफ स्पिंडल फाइबर, रेमिनेंट्स ऑफ स्पिंडल फाइबर्स जिसे हम क्या कहते हैं, नोन एज फ्रेगमोप्लास्ट, फ्रेगमो प्लास्ट। ओके, क्या होता है फ्रेगमोप्लास्ट? तो क्या होता है, सेल डिवीजन हुआ। अब ये सेल के बीच में क्या आ जाएंगे, वो जो स्पिंडल फाइबर टूटे हुए थे वो ऐसा बीच बीच में जमा हो जाएंगे, सेल कैसा डिवाइड हो रहा है कि नहीं। और जितने भी गॉल्जी बॉडीज हैं, गॉल्जी बॉडीज हैं, वो यहाँ पर आके जमा हो जाएंगे। तो हम ग्रीन से बना देते गॉल्जी बॉडीज को, है कि नहीं। ये ऐसे 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 करके इसके ऊपर क्या होगी, गॉल्जी बॉडीज जमा हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर ये डिनोट कर देते, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास गॉल्जी बॉडी। सिंपल, सेल डिवाइड हुआ, स्पिंडल फाइबर टूटे, बीच में आया, फिर उसके ऊपर आ गई गॉल्जी बॉडी। गॉल्जी बॉडी क्या होती है, एक सेल ऑर्गेनेल होती है, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो मैं क्या करता हूँ, एक सेकेंड ना, मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ या फिर इसको कॉपी कर लेता हूँ। पेस्ट, है कि नहीं। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, वन सेकेंड, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हम यहां ड्रॉ कर लेते साइड में। अब क्या होगा, अब ये जो बना है गॉल्जी बॉडीज और जो स्पिंडल फाइबर्स है, ठीक है, इनके ऊपर क्या होगा, इनके ऊपर लगेगी कुछ पॉलीसेकेराइड शुगर। कैसे लगेंगी, ये फिर से हम बना लेते हैं। ये हमारी जो सेल वॉल थी, है कि नहीं, सेल वॉल के अंदर ये जो न्यूक्लियस था और ये जो गॉल्जी बॉडीज थी और जो स्पिंडल फाइबर्स थे, ठीक है, जो स्पिंडल फाइबर्स थे वो थे। अब इसके ऊपर क्या जमा होगी, इसके ऊपर जमा होगी प्योर पेक्टिन, है कि नहीं, पूरी पेक्टिन जो है इसके ऊपर जमा होगी। तो पेक्टिन हम बना लेते कुछ इस तरह से, पेक्टिन जमा होगी कुछ इस तरह से, पेक्टिन जमा होगी। तो इसके ऊपर क्या जमा हो गई, इसके ऊपर प्योर पेक्टिन। पेक्टिन क्या होती है, पेक्टिन होती है पॉलीसेकेराइड। पेक्टिन क्या होती है, पॉलीसेकेराइड होती है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि इसके ऊपर जमा होगे कैल्शियम और मैग्नीशियम। प्योर पेक्टिन जमा हो गई, जब इसके ऊपर प्योर पेक्टिन जमा हो गई, है कि नहीं, तो अब हम इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, अब हम इस स्ट्रक्चर को कहेंगे सेल प्लेट। सेल प्लेट क्या कहेंगे हम, सेल प्लेट। अब सेल प्लेट बोलेंगे हम, ठीक है। अब इस सेल प्लेट के ऊपर क्या जमा होगी, कैल्शियम और मैग्नीशियम, क्या जमा होगी, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो हम ड्रॉ कर लेते फटाफट। अब क्या होगा इसके ऊपर, अब होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, फिर से हम बना लेते हमारी सेल वॉल। और इस बार क्या होगा, इस बार जो हमारी सेल प्लेट है उसके ऊपर जमा होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो हम फटाफट बना लेते हैं, ये हमारी हो गई गॉल्जी बॉडीज, इसके ऊपर आ गई हमारी स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर क्या आ गई, सेल पेक्टिन की लेयर, पेक्टिन शुगर आ गई। अब इसके ऊपर क्या हो गया, कैल्शियम और मैग्नीशियम जमा हो जाएंगे।
तो हम कैल्शियम और मैग्नीशियम को ऐसा बना लेते हैं, है कि नहीं। ये देखो जूम करके बताता हूँ मैं, ये सेल थी, इसके ऊपर क्या आ गया, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अब हम इसे क्या कहेंगे, इसके ऊपर क्या आ गई, ये जो ग्रे कलर से, ये क्या है, ये है कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जमा हो गया, ठीक है। अब हम इसे क्या कहेंगे, अब हम इसे कहेंगे मिडल लैमिला। अब हम क्या कहेंगे इस स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को कहेंगे हम मिडल मिडल लैमिला, ठीक है। सो हम इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, मिडल मिडल लैमिला के बारे में, मिडल लैमिला क्या है। सो मिडल लैमिला क्या होता है, इट इज़ अ सीमेंटिंग लेयर। मिडल लैमिला के बारे में अगर हमें कोई पूछे, सो मिडल लैमिला क्या है, सीमेंटिंग लेयर बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के लास्ट में जो बनी वो है मिडल लैमेला, ठीक है। अब ये मिडल लैमेला किसकी बनी है, मिडल लैमेला इज मेड अप ऑफ किसकी किसकी बनी है, देखो इसमें जो है 90% कैल्शियम पेक्टेट है। देखो पेक्टिन के ऊपर कैल्शियम आया तो क्या बन गया, कैल्शियम पेक्टेट, ठीक है। सो इसके ऊपर क्या है, कैल्शियम, एक्चुअली कैल्शियम होता है, ठीक है, कैल्शियम पेक्टेट, और 10% होता है मैग्नीशियम पेक्टेट, मैग्नीशियम पेक्टेट पेक्टेट, ओके। इतना समझ गए मिडल लैमेला क्या होता है, ओके। अब ये जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स जो है, फ्रूट्स की जो कवरिंग है वो सॉफ्ट की हो जाती है। पहले देखो अगर आम, आम सबने खाया है, आम पहले क्या होती है, कैरी होती है कि नहीं, कैरी के बाद आम बनता है, तो कैरी कैसी होती है, कड़क होती है उसकी कवरिंग, ग्रीन कलर की होती है, लेकिन जैसे ही वो पकता है वो सॉफ्ट हो जाती है, क्यों, उसका रीजन मैं बताता हूँ। इसका रीजन ये है दैट फ्रूट्स, जितने भी फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स बिकम सॉफ्ट, फ्रूट्स बिकम सॉफ्ट ऑन राइपनिंग। राइपनिंग मतलब वो जो पक जाते हैं ना, फ्रूट्स पक जाते हैं, सो ऑन राइपनिंग ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ मिडल लैमिला, ठीक है, मिडल लैमिला। अब मिडल लैमिला डिसोल्यूट क्यों हो रहा है, पैक्टिनेस एंजाइम एक्टिविटी, क्या हुआ, मिडल लैमिला बना था पेक्टिन का, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही फ्रूट पकता है तो पेक्टिनेज एंजाइम क्या करता है, इस मिडल लैमिला को खा लेता है। पेक्टिनेज एंजाइम का काम क्या है, पेक्टिन को खा लेना, तो इस तरह से होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ठीक है, मिडल लैमिला आप समझ गए। एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं क्या पढ़ा हमने, देखो जब सेल डिवाइड होता है, ठीक है, तो सेल डिवाइड होता है तो न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, स्पिंडल फाइबर बनते हैं, तो स्पिंडल फाइबर टूटते हैं और यहाँ पर बीच में जमा हो जाते हैं। ये देखो ये एक सेल से दो सेल बन रहा है, देखो ये दो सेल बन रहे हैं, तो यहाँ पर बीच में क्या होगा, बीच में जमा हो जाएगा हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स के कुछ अवशेष, कुछ टुकड़े। अब इसके इस टुकड़ों के ऊपर आ जाएगा गॉल्जी बॉडी, गॉल्जी बॉडी आ जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या नेक्स्ट, इस गॉल्जी बॉडी और इस स्पिंडल फाइबर्स के जो अवशेष है
जिनको हम फ्रेग्मोप्लास्ट कहते हैं, और गॉल्जी बॉडी, ये दोनों के ऊपर कुछ जमा होगा। क्या जमा होगा? प्योर पेक्टिन जो है वो जमा होगा, है कि नहीं? ऐसे जमा होगा और बना लेगा सेल प्लेट। ठीक है, अब इस सेल प्लेट के ऊपर क्या होगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम डिपॉजिट होगा। तो कैल्शियम डिपॉजिट हुआ तो कैल्शियम पैक्टेट बनेगा, मैग्नीशियम होगा तो मैग्नीशियम पैक्टेट, दोनों डिजॉल्व, दोनों डिपॉजिट हो गए। अब मिडल लैमेला के बारे में क्या समझना है कि मिडल, जब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम जमा हुआ है उसे हम उस लेयर को हम क्या कहेंगे? मिडल लैमेला। पहले थी सेल प्लेट, सेल प्लेट के ऊपर आया कैल्शियम मैग्नीशियम, उन दोनों ने मिलके क्या बनाया? मिडल लैमेला। सो मिडल लैमेला क्या है? सीमेंटिंग लेयर बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ सेल डिवीजन, मेड अप ऑफ 90% कैल्शियम पैक्टेट एंड 10% ऑफ मैग्नीशियम पैक्टेट। ठीक है, अब फ्रूट्स बिकम सॉफ्ट ऑन राइपनिंग ड्यू टू डिसॉल्यूशन ऑफ मिडल लैमेला ड्यू टू पैक्टिनियस एंजाइम एक्टिविटी। हमें पता है मिडल लैमेला में पैक्टिन होता है। सो जब फ्रूट्स पकते हैं तो पैक्टिनेज एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसके कारणवश क्या होता है? मिडल लैमेला डिसॉल्व हो जाती है और फ्रूट सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब सेल वॉल कैसे बनेगी? अभी सेल वॉल नहीं बनी है। ठीक है, सेल वॉल फॉर्मेशन दो लेयर में होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन। सो सेल वॉल फॉर्मेशन जो है वो दो लेयर में होता है, टू लेयर्स। टू लेयर्स में कैसे? हाँ, ये हमारी वही सेल वॉल है, सेल है वो जो दो सेल डिवाइड हो रहे थे। तो हम बना लेते वो जो दो सेल डिवाइड हो रहे थे। अब हम बना लेते हैं हमारी मिडल लैमेला। मिडल लैमेला हमारी ग्रे कलर में थी, तो ये आ गई हमारी मिडल लैमेला। ये आ गई मिडल लैमेला। अब क्या होगा? सबसे पहले बनेगी प्राइमरी वॉल, फिर उसके बाद बनेगी सेकेंडरी वॉल। तो ये बन गई हमारी प्राइमरी वॉल, ये आ गई हमारी प्राइमरी वॉल। ठीक है, ये आ गई हमारी प्राइमरी वॉल। फिर इसके ऊपर बनेगी हमारी सेकेंडरी वॉल, प्राइमरी वॉल। ये बनी प्राइमरी वॉल। सो क्या है ये? बीच में क्या थी हमारी? ये बीच में थी हमारी मिडल लैमेला। मिडल लैमिला। अच्छा, ये ग्रीन कलर में क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है प्राइमरी वॉल। ये हमारे पास प्राइमरी वॉल। ठीक है, अब क्या बनेगी? इसके ऊपर बनेगी सेकेंडरी वॉल। लेकिन प्राइमरी वॉल किसकी बनी हुई है? प्राइमरी वॉल बनी हुई है पेक्टिन की। प्राइमरी वॉल सिंपल पेक्टिन की बनी हुई है। पेक्टिन जो होती है, नहीं जानते, छोड़ो। प्राइमरी वॉल किसकी बनी हुई है? पेक्टिन की बनी हुई है। फिर उसके बाद क्या है? सेकेंडरी वॉल बनेगी। सेकेंडरी वॉल कैसे बनेगी? ये कुछ, ये कंप्लीटली ऐसे नहीं बनती है, थोड़ी थोड़ी गैप करके बनती है। जैसे ये 1 2 3, ठीक है, फिर ये बन गई 1 2 3। ये इस तरह से लेयर के फॉर्म में बनती है। सेकेंडरी वॉल जो है वो लेयर के फॉर्म में बनती है। कुछ इस तरह से जो है बनती है सेकेंडरी वॉल हमारी। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस तरह से लेयर के फॉर्म में। ये क्या है हमारी? ये हमारी सेकेंडरी वॉल। तो इस तरह से पूरी सेल वॉल बनती है। बस इतना ध्यान में रखो कि सेकेंडरी वॉल किसकी बनी हुई है? ये बनी हुई है लिग्निन की।
लिग्निन, लिग्निन जो होती है वो हार्ड होती है, लिग्निन जो होती है वो हार्ड होती है, और पेक्टिन जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। लिग्निन जो होती है वो हार्ड होती है, और ये जो सेकेंडरी वॉल है, ये जो दिख रहे हैं आप लेयर, इसे हम कहेंगे S1, इसे हम कहते हैं S2, इसे हम कहते हैं S3। इस तरह से लेयर के फॉर्म में बनती है, S1, S2 और S3 के फॉर्म में। ठीक है, इतना समझ गए, बस इतना ही याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं सेल वॉल के बारे में। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं सेल मेम्ब्रेन पे। सेल मेम्ब्रेन पे, सो सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात कर ले, अर्ली स्टडीज शोड दैट दिस इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन पे बहुत सारी रिसर्च की गई, बहुत सारे जो है एक्सपेरिमेंट किए गए। पहले की स्टडीज ऐसा मानती थी कि जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वो लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है। किसकी बनी हुई? लिपिड और प्रोटीन की। सेल मेम्ब्रेन जो होती है, अगर प्लांट में है तो सेल वॉल के अंदर होगी, और एनिमल सेल में जो है वो बाहर ही होगी, क्योंकि सेल वॉल तो होगी नहीं, सेल वॉल के अंदर ही होती है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है, पहले ऐसा माना जाता था कि लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है पहले। सो हम अंडरलाइन कर लेते हैं, अर्ली स्टडीज में क्या बना जाता था, लिपिड और प्रोटीन की मेनली कंपोज्ड है। फिर बाद में ऐसा पता चला दैट मेजर लिपिड जो है वो फॉस्फोलिपिड है, दैट आर अरेंज इन बाइलेयर। देखो लिपिड में भी कई वेराइटी आती है, तो जो मेनली जो वाला जो लिपिड है वो है फॉस्फोलिपिड। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, सो स्टार पॉइंट कर लेते हैं। अब ये जो फॉस्फोलिपिड है, ये दो लेयर में अरेंज है। कैसे? दो लेयर में, बाय लेयर में अरेंज है। तो देखो इस तरह का जो है फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर होता है, ये एक पहली लेयर है और ये दूसरी लेयर है। अब ये जो एक है फॉस्फोलिपिड, ठीक है, उसमें क्या होता है, ये जो गोल वाला एरिया आप देख रहे हो ये होता है हेड, और ये जो पतला सा होता है ये होता है टेल, ये होता है हेड, ये होता है टेल, ये होता है हेड, ये होता है टेल। अब ये जो हेड होता है, ये जो हेड होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, और ये जो टेल होती है ये होती है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है? देखो हाइड्रो का मतलब समझता है सबको, हाइड्रो मतलब पानी, H2O, और फिलिक का मतलब होता है लवर, फिलिक का मतलब होता है लवर। हाइड्रो का मतलब पानी, और फोबिक का मतलब क्या होता है? फोबिक, हाइड्रोफोबिक, फोबिक का मतलब होता है हेटर। इतना समझ आ गया। अब ये जो सेल है, ये जो सेल है इसके आसपास है पानी, इसके आसपास है पानी, और ये सेल मेम्ब्रेन है, बाय लेयर अरेंज्ड। तो ये जो सेल वॉल है, जैसे ये सेल सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो ये क्या है, ये हेड क्या है, हाइड्रोफिलिक, पानी से प्यार करने वाला, और ये जो टेल क्या है, ये क्या है, वाटर हेटर। तो जैसे मान लो फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर रहेंगी, जिसमें ये जो एक फॉस्फोलिपिड है, ये फॉस्फोलिपिड में एक उसका होगा हेड और एक होगी उसकी टेल। ये जो हेड होगा वो होगा हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब पानी का लवर। अगर यहाँ पर पानी है, यहाँ पर पानी है, तो इसका जो मुंह है, इसका जो हेड है वो उस पानी की तरफ फेस करेगा, और जो इसकी जो टेल है ना, ये जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी, मतलब वाटर हेटर, मतलब इसको पानी पसंद नहीं है। तो जहाँ पानी होगा, जैसे यहाँ पानी है, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर, मतलब जैसे मान लो ये हमारी पूरी सेल है, तो ये सेल के बाहर वाला एरिया और ये सेल के अंदर वाला एरिया। सेल के बाहर वाले एरिया को हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के अंदर वाले एरिया को हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर। ठीक है, तो ये पानी की तरफ होगा, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब इसका फेस बाहर होगा और अंदर होगा, और टेल जो है वो बीच में इस तरह से होगी। ठीक है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटर, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, फिलिक का मतलब होता है लवर, फोबिक का मतलब होता है हेटर। ठीक है, इतना समझ आ गया। इस तरह से होती है लेयर, पहले ऐसा किया गया, फिर इसमें कई मॉडिफिकेशन पता चली। क्या? ये जो लेयर है फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर, दिस एंश्योर दैट नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरमेंट, है कि नहीं? ये जो टेल है,
ये जो है ये पानी से बची हुई है, बची हुई है और प्रोटेक्टेड है, ठीक है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस एनवायरनमेंट, ये हमें कहता है। सो इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड, पहली बात ये जो लेयर होती है नॉन पोलर होती है, पोलर नहीं होती है, नॉन पोलर होती है। दूसरी बात, इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। यूकैरियोट के सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, कोलेस्ट्रॉल का काम होता है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। ओके, सो इतना पता चल गया कि कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है और ये बाई लेयर जो है प्रोटेक्टेड है एक्वस एनवायरनमेंट से, इतना सब पता चल गया। और वो जो लेयर है वो नॉन पोलर है, टेल है, ठीक है। बाद में कुछ बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन की गई, फिर उसके बाद पता चला दैट सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो पोजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। बाद में ऐसा पता चला कि वो जो सेल मेम्ब्रेन है फॉस्फोलिपिड की, जो बाय लेयर है, उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। क्या क्या होते हैं? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। द रेशो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप। अलग अलग सेल टाइप में जो है प्रोटीन और लिपिड का रेशियो अलग अलग होता है, जैसे कहीं पे लिपिड ज़्यादा है, प्रोटीन कम, प्रोटीन ज़्यादा है, तो इस तरह से जो है होता है अलग अलग सेल्स में। जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, द मेम्ब्रेन ऑफ द इरेथ्रोसाइट, इरेथ्रोसाइट बोले तो जो हमारे आरबीसी होते हैं ना ब्लड में, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है। तो हर उसमें प्रोटीन और लिपिड का रेशियो जो है वो वेरी करता है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन और एक होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। पेरिफेरल क्या होते हैं? ऐसे प्रोटीन जो सरफेस पे लाई करते हैं, मेम्ब्रेन की सरफेस पे लाई करते हैं। उसी तरह इंटीग्रल प्रोटीन मतलब ऐसे प्रोटीन जो पार्शली या टोटली बरीड होते हैं मेम्ब्रेन में। ओके, चलो हम आ जाते हैं। फिर इतना सब पता चला, फिर एक लास्ट मॉडल आया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल आया, फ्लूइड मोजाइक मॉडल का डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में भी है। ये देखो लिपिड की बाई लेयर है कि नहीं, ये देखो लिपिड की बाई लेयर, ये क्या है, हाइड्रोफिलिक हेड है और ये हाइड्रोफोबिक टेल है। बाई लेयर है, दो लेयर्स है, एक ये लेयर है, एक ये लेयर है, और इनके बीच में कुछ है प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स, ठीक है, ये कुछ प्रोटीन्स है। ऐसे प्रोटीन जो सरफेस पे, उसे हमने कहा पेरिफेरल प्रोटीन। देखो ये जो सरफेस पे ये है पेरिफेरल, पेरिफेरी का मतलब ही होता है दूर, इंटीग्रल मतलब इंक्लूडेड इन द सेल मेम्ब्रेन। देखो ये सेल मेम्ब्रेन थी अच्छी खासी, इसके बीच में ढंस गया ये प्रोटीन, पार्शियली भी ढंस सकता है, मतलब जैसे ये बायलेयर है, ये बायलेयर है, इसके सरफेस पे अगर प्रोटीन है तो पेरिफेरल, बट इसके अंदर या आधा अंदर है कि नहीं, उससे हम कहेंगे इंटीग्रल प्रोटीन। देखो ये क्या है इंटीग्रल, ये क्या है इंटीग्रल, ये सरफेस पे जो है वो है पेरिफेरल प्रोटीन। फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कहता क्या है, एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वॉज प्रपोज बाय सिंगर एंड निकोलसन, वाइडली एक्सेप्टेड एज फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जिसे हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल भी कहते हैं, सिंगर और निकोलसन ने दिया था। इट वॉज वाइडली एक्सेप्टेड एज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस द क्वाज़ा फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। क्वाज़ा फ्लूइड मतलब जेली लाइक, तो हम अंडरलाइन करके लिख लेते हैं, क्वाज़ा फ्लूइड मतलब जेली की तरह, जेली लाइक, ठीक है नहीं। तो ये जो उन्होंने क्या कहा फ्लूइड मोजाइक मॉडल ने, जो सिंगर और निकोलसन ने दिया था, ये जो मेम्ब्रेन है वो क्वाज़ा फ्लूइड नेचर की है। क्वाज़ा फ्लूइड नेचर के कारण क्या होता है, ये जितने भी प्रोटीन्स हैं ना विद इन दिस लेयर, उनके पास एबिलिटी होती है कि वो लेटरली मूव कर सके। सो क्वाज़ा फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, ये आ सकता है क्वेश्चन, इसे स्टार मार्क कर दो। क्वाज़ा फ्लूइड नेचर क्या प्रोवाइड करता है, इनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स, है कि नहीं। ऑप्शन में डाल दिए लॉन्गिट्यूडनल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, तो आंसर होगा लेटरल और हॉरिजॉन्टल, लेटरल मतलब ऐसा, विद इन ओवर बाइलेयर। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन मेम्ब्रेन इज
मेजर्ड एज फ्लूडिटी, मतलब आप किस तरह से लेटरली मूव कर पा रहे हो। तो उसकी जो मूवमेंट है, मतलब प्रोटीन की लेटरल मूवमेंट ही क्या है, मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी, मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी है, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद ये के द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शंस लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेल्युलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, ये सब, ठीक है। तो कहा क्या क्या है, दैट फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शंस लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेल्युलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन। तो फ्लूइड नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक अगर अच्छी फ्लूइडिटी है तो सेल ग्रोथ अच्छी होगी, अच्छी फ्लूइडिटी तो अच्छा खासा एक जंक्शन होगा दो सेल के बीच में, एंडोसाइटोसिस अच्छे से हो पाएगा, सेल डिवीजन हो पाएगा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन, अलग अलग तरह की मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, किस तरह का ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। अब भैया जब एक सेल है, अब सेल को एनर्जी चाहिए तो बाहर से सब्सटेंस अंदर आने चाहिए ना, तो किस तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो दो तरह से होते हैं, एक होता है पैसिवली और एक एक्टिवली। एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में यूज ऑफ एटीपी, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी यूज होती है, एटीपी का मतलब एनर्जी करेंसी। पैसिव में नो यूज ऑफ एटीपी, एटीपी यूज नहीं होता है, ठीक है। सो एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव क्या होता है, मूवमेंट अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और ये क्या होता है, मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे मान लो, मैं आपको समझाता हूँ, मेरे पास जो है दो बीकर है, ये एक बीकर है, ये एक बीकर है और ये एक दूसरा बीकर है, ये दोनों बीकर है। अब इन दोनों को जो है मैंने साइड से ज्वाइन कर लिया, इन दोनों को मैंने साइड से ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो इसको मैंने ज्वाइन कर लिया, इन दोनों बीकर को। अब इन दोनों बीकर्स में ना पता है पानी था, इन दोनों बीकर्स के अंदर पानी था, इसमें था 10 लीटर पानी, इसमें था मान लो 10 लीटर वाटर, ओके, और इसमें था 20 लीटर, हाँ इसमें था 20 लीटर पानी, तो टोटल कितना हो गया 30 लीटर। अब ये दोनों जॉइन है तो पानी इधर से उधर आएगा, तो आप मुझे बताओ पानी किधर से किधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा कि इधर से इधर जाएगा, पानी कहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है कि नहीं। अब दोनों सेम बिकर है, सेम साइज है, सेम लेवल है, तो टोटल पानी कितना हुआ, 30 30 लीटर। अब पानी कब तक आता जाता रहेगा, तब तक बैलेंस ना हो जाए, नेचर का यही रूल है बैलेंसिंग करना, अगर दो चीज़ें छूट जाए तो उनमें बैलेंसिंग हो, ठीक है। तो 30 लीटर है, 30 लीटर हो गया, तो अब क्या होगा, दोनों में आधा आधा बटेगा, इधर 15 इधर 15, बट है कितना 20, तो यहाँ यहाँ पानी कब तक जाएगा, जब तक यहाँ पर 15 नहीं हो जाता, और यहाँ पर पानी कब तक आएगा, जब तक 15 नहीं हो जाता है। तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस है कोई ना कोई, है कि नहीं, इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है। तो पानी कहाँ से कहाँ जा रहा है, पानी अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है, मतलब डिफरेंस के टूवर्ड्स जा रहा है, मतलब अगेंस्ट, ऐसा नहीं हो रहा है कि यहाँ से यहाँ पानी जा रहा है, भाई यहाँ पानी तो कम है ना, यहाँ पानी ज़्यादा है, तो बेसिकली सेंस लगाओ ना, यहाँ से यहाँ जाएगा ना कि यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाने को पानी के, या पानी या कोई भी सब्सटेंस अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है कि नहीं, यहाँ से यहाँ जा रहा है पानी, है कि नहीं, तो ये क्या हो गया, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट।
मतलब अगेंस्ट नहीं है ना भैया ये कुदरत की, भैया 20 वाला 10 को देगा कि 10 वाला 20 को देगा, गरीब अमीर को पैसे देगा कि अमीर गरीब को पैसे देगा, अमीर गरीब को पैसे देगा। तो अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इन दोनों को ज्वाइन किया तो ऐसा हुआ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, उल्टा गरीब अमीर को पैसे दे रहा है, ऐसा कभी सुना है? ये तो नेचर के खिलाफ है ना भैया, ऐसा कभी हुआ है कि गरीब अमीर को पैसे दे रहा है? ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, इतना समझ आ गया। उसी तरह पैसिव में क्या होता है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चीजें मूव होती है, एक्टिव में क्या होता है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट मतलब अलोंग, मतलब पैसिव में कैसा है, यहाँ रख दिए ऑटोमेटिकली 20 से 10 में जा रहा आसानी से, लेकिन 10 से 20 में पानी ले जाना डिफिकल्ट है ना, है कि नहीं? तो यहाँ हमें कुछ एनर्जी डालनी पड़ेगी, यहाँ पर कुछ एनर्जी लगाना है? नहीं भाई, 20 से तो आराम से, मतलब यहाँ 20 लीटर है, यहाँ 10 लीटर है, तो 20 लीटर पानी में से जो है इधर थोड़ा पानी जाएगा क्योंकि इधर पानी कम है कि नहीं? तो पैसिव में एटीपी यूज़ नहीं हो रही, कोई एनर्जी यूज़ नहीं हो रही, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज़ हो रही है क्योंकि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चीज़ें हो रही है। ठीक है, तो पैसिव में 3 एग्जाम्पल है, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, एक होता है ऑस्मोसिस, और एक होता है फैसिलेटेड डिफ्यूजन। ये क्या होता है आइए देखते हैं। जैसे हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल डिफ्यूजन। देखो सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, सिंपल जो अभी हमने पढ़ा 20 से 10 में जाना, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, जूम कर लेते थोड़ा, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट प्रोटीन, या प्रोटीन प्रोटीन कुछ किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो ये था इनसाइड द सेल और ये आउटसाइड, ये क्या है एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट जो सेल के बाहर है, और ये है सेल के अंदर का पार्ट इंट्रा सेलुलर। अब सेल के बाहर जो है कुछ सब्सटेंस है, और वो सब्सटेंस का अमाउंट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर वो सब्सटेंस 0 है, तो क्या होगा, सब्सटेंस बाहर से अंदर आएगा, है कि नहीं? ये देखो बाहर से अंदर आ रहा है, कब तक अंदर आएगा, जब तक इक्वली नहीं हो जाए। इक्वली मतलब क्या, बाहर 5 और अंदर 5 हो जाना चाहिए, 10 डिवाइडेड बाय 2 हो जाना चाहिए। तो ये देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बाहर भी 5 अंदर भी 5, सो ये क्या है, इक्विलिब्रियम में आ जाना। सिंपल डिफ्यूजन का एक ही मकसद है, क्या है कि मैं इक्विलिब्रियम में आ जाऊं। अगर मेरे पास 50 है, 50 रुपये है, और तुम्हारे पास कितने हैं, सिर्फ 20 रुपये हैं, या फिर जान दो ऐसा नहीं, जैसे मेरे पास है 200 रुपये और आपके पास है 100 रुपये, मैं क्या चाहूँगा कि मैं आपको 50 रुपये दे दूँ, आपके पास भी 150 रुपये, मेरे पास भी 150, आपके पास भी 150, मेरे पास भी 150। तो सिंपल डिफ्यूजन का मकसद भी यही है, इक्विलिब्रियम, है कि नहीं? सो यहाँ 10 थे तो क्या चाहेगा कि यहाँ भी 5 हो, यहाँ भी 5 हो, इक्वली हो जाए सब। अब ये हो गया सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन, ज़्यादा से कम की तरफ बढ़ना। उसी तरह एक आ जाता है ऑस्मोसिस, ये सिंपल डिफ्यूजन पढ़ लिया आपने, ये दो दो बात थोड़ा, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस सिंपल डिफ्यूजन ही है, पर हम ये जो सब्सटेंस है, ये कोई भी सिंपल डिफ्यूजन में आप कोई भी सब्सटेंस ले सकते हो, सिंपल डिफ्यूजन में आप कोई भी सब्सटेंस ले सकते हो, कोई भी सब्सटेंस, जैसे कुछ भी, कोई भी सब्सटेंस। लेकिन ऑस्मोसिस में आप सिर्फ पानी ही ले सकते हो, आप सिर्फ वाटर ही ले सकते हो, ठीक है? सो ऑस्मोसिस में सिर्फ आप वाटर ले रहे हो, चीज़ें वही हो रही है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाना, है कि नहीं? जैसे मान लो दो बीकर थे, यहाँ था प्योर वाटर और यहाँ था शुगर वाटर, मतलब है कि नहीं, शुगर सोल्यूशन। तो यहाँ पर पानी ज़्यादा है, यहाँ पानी कम है, तो यहाँ पानी यहाँ से यहाँ जाएगा ताकि इक्विलिब्रियम अचीव कर पाए। सो ऑस्मोसिस में वो सब्सटेंस पानी है, तो ऑस्मोसिस इज रिलेटेड टू वाटर ओनली। अब हम आ जाते हैं फैसिलेटेड डिफ्यूजन। फैसिलेटेड डिफ्यूजन इज अ पार्ट ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें भी वही है,
हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आप आ रहे हो, लेकिन यहाँ आप मेम्ब्रेन से होते हुए नहीं आ रहे हो। जैसे यहाँ पर देखो आप मेम्ब्रेन से होते हुए आ रहे थे ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन आप यहाँ प्रोटीन से होते हुए आओगे। सो यहाँ पर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। सो फैसिलिटेड मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो आप, है कि नहीं? जैसे चल तो सब रहे हैं, लेकिन जब आप एक रेड कारपेट पे, जो एक उसका अलग ही फैसिलिटी होती है कि नहीं, आप फंक्शन में जा रहे हो, आप जा रहे हो और अंदर फंक्शन में चले गए, लेकिन अगर आपके लिए कोई स्पेशल रेड कारपेट बिछा दे तो वो क्या कर रहे हैं, आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी तरह जब ये सब्सटेंस सेल के अंदर आएगा तो ये प्रोटीन से होते हुए आएगा, है कि नहीं? तो प्रोटीन क्या कर रहा है, इसे एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन सिंपल पैसिव ट्रांसपोर्ट ही है ये। बाहर इस सब्सटेंस का अमाउंट ज़्यादा था, अंदर कम है, तो बाहर से चीज़ें अंदर आ रही है। अच्छा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में उल्टा होता है, ज़्यादा से कम की तरफ नहीं जाते हो आप कम से ज़्यादा की तरफ जाते हो। जैसे मान लो बाहर सोडियम ज़्यादा है और अंदर पोटेशियम ज़्यादा है, ठीक है? बाहर क्या है मैं लिख लेता हूँ, सोडियम, Na जो है, Na को हम सोडियम लिखते हैं, सोडियम यहाँ ज़्यादा है और सेल के अंदर के मतलब पोटेशियम, पोटेशियम ज़्यादा है, ठीक है? तो कायदे से क्या होना चाहिए, सोडियम बाहर ज़्यादा है तो अंदर आना चाहिए और पोटेशियम अंदर ज़्यादा है तो बाहर जाना चाहिए, बट उल्टा होता है। जितना पोटेशियम बाहर है और मतलब जितना बचा कुछ है वो भी अंदर आता है और सोडियम बाहर जाता है। तो ये इस तरह से आते हैं, जब सोडियम बाहर जाता है तो 3 सोडियम बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। इसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और यहाँ जब भी आप किसी चीज़ के अगेंस्ट जाते हो तो आपको लगानी पड़ती है एनर्जी, ठीक है? सो इस तरह से जो है होती है चीज़ें। आइए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, जो हमारा मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम क्या होता है, आइए देखते हैं। एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम जो है ये 4 ऑर्गेनेल से बना हुआ एक सिस्टम है कि नहीं? ये 4 ऑर्गेनेल्स जो है आपस में एक, जैसे मान लो एक ग्रुप है, एक ग्रुप में 4 लोग हैं। अब आप 4 लोग अपने ग्रुप को क्या करोगे, आगे बढ़ाना चाहोगे, आप आपस में मिलके काम करोगे, है कि नहीं? 4 लोग हैं, 4 लोग आपस में मिलके काम करेंगे, है कि नहीं? उनमें कुछ ना कुछ तो आप चारों ने मिलके क्या बना लिया, आप है और आपके आपके 3 और फ्रेंड, मतलब आप 4 लोग हैं, तो आप चारों ने मिलके अपना जो ग्रुप है, अपना जो सिस्टम है, वो एक सिस्टम बनाया। और सिस्टम में आप क्या कर रहे हो, आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हो। तो उसी तरह सेल के अंदर भी जो 4 ऑर्गेनेल्स है ना, ये आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, है कि नहीं? तो हम यह लिख लेते हैं, दे विल कोऑर्डिनेट एंड परफॉर्म फंक्शंस, कुछ ना कुछ फंक्शंस ये लोग करते रहेंगे, कुछ ना कुछ काम ये लोग मिलके करेंगे, ठीक है? तो एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम में 4 ऑर्गेनेल होते हैं। पहला होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, तीसरा होता है वैक्यूल, चौथा होता है लाइजोसोम्स। फिर से ER होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडी, वैक्यूल और लाइजोसोम्स। ये क्या है, एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है ई जी लव, जो हमने पढ़ा था क्लास क्लास में, ई जी लव एम कर दिया था, ये क्या सिंगल मेम्ब्रेन था, लेकिन एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम में ये सिर्फ 4 आते हैं। ई जी लव आर द पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। ई स्टैंड्स फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जी स्टैंड्स फॉर गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, एल स्टैंड फॉर लाइजोसोम एंड वी स्टैंड्स फॉर वैक्यूल। ओके, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। जैसे मान लो ये क्या है, ये आपका न्यूक्लियस। अब ये किस तरह से होता है हम देखते हैं, ये सब मिलके साथ में काम कैसे करते हैं। ये है आपका जैसे मान लो न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस पे क्या होगा, इस न्यूक्लियस में, इस न्यूक्लियस से अटैच होगा ये,
एक ऐसा गुच्छे जैसा स्ट्रक्चर है कि नहीं, एक नेटवर्क जिसे हम कहते हैं ईआर। ईआर क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर क्या होता है? ईआर होता है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब होता क्या है, देखो ये सब काम कैसे करते हैं। ये जो ईआर होता है ना, इसमें से कुछ टुकड़े जाते हैं, एक कुछ टुकड़े या थैली जैसा स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं वेसिकल्स। क्या कहते हैं हम इसे? वेसिकल। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ चीज़ें टूटती है वेसिकल्स के फॉर्म में, और ये वेसिकल्स जो है क्या करते हैं, ये वेसिकल्स जो है गॉल्जी बॉडीज़ बनाते हैं, और गॉल्जी बॉडीज़ में कन्वर्ट होते हैं। मतलब बेसिकली गॉल्जी बॉडीज़ क्या करती है, गॉल्जी बॉडी भी एक सेल ऑर्गेनेल है, ये इन वेसिकल्स को जो है वो लेती है, वेसिकल्स को पकड़ती है और इनको पैक पैक करती है, या इनमें कुछ मॉडिफिकेशन करती है। मॉडिफिकेशन करने के बाद ये क्या करती है, ये अपने मतलब गॉल्जी बॉडी का इसे पार्ट बना लेती है। गॉल्जी बॉडी क्या करती है, इस वेसिकल को अपनी बॉडी का पार्ट बना लेती है। फिर यहाँ से ये जो वैक्यूल है ये टूटता है, मतलब एक थैली जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे हम वैक्यूल कहते हैं। फिर वैक्यूल टूटता है, फिर वैक्यूल जो है आगे जाके काम करता है अलग अलग तरह से। अगर इस वैक्यूल में डाइजेस्टिव सिस्टम सॉरी डाइजेस्टिव एंजाइम अगर हो, अगर इस वैक्यूल में डाइजेस्टिव एंजाइम आ जाए तो हम उसे कहेंगे लाइजोजोम। क्या कहेंगे हम इसे? लाइजोजोम। तो देखो किस तरह से होता है, इसे ना कंपनी की तरह समझो। जैसे मान लो ये कंपनी है ईआर बोल के, ये अपने कुछ प्रोडक्ट बना रही है और ये दूसरी कंपनी को दे रही है जिसका नाम है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी एक दूसरी कंपनी है जिसका काम है ये जो प्रोडक्ट दे रही है, ईआर जो प्रोडक्ट दे रही है गोल्जी बॉडी को, गोल्जी बॉडी का काम है इसका इसकी पैकेजिंग मतलब सुंदर करके इसको पैक करके बर्ड ऑफ कर देना। ठीक है, अब क्या होगा, ये वैक्यूल में अगर डाइजेस्टिव सिस्टम आ गए तो हम उस स्ट्रक्चर को कहेंगे लाइजोसोम। मतलब वैक्यूल के अंदर अगर डाइजेस्टिव एंजाइम्स है तो हम उसे कहेंगे लाइजोसोम, है कि नहीं? और वैक्यूल का काम नहीं तो स्टोरेज, नहीं तो कुछ ना कुछ होगा। इतना समझ आ गया। अब एक एक सेल ऑर्गेनेल को हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहले आ जाता है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है ये? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। देखो जैसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये तो हम 3D में देख रहे हैं। टाइनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, सो अ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ अ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर। नेट रेटिकुलम का मतलब ही होता है नेटवर्क। टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, डेट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इस तरह से ट्यूब टाइप के होते हैं कि नहीं? अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो है साइटोप्लाज्म को दो कंपार्टमेंट में बांटते हैं। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कुछ इस तरह से होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये देखो, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से जुड़ा है ना ये, है कि नहीं? ये न्यूक्लियस में कुछ पोर है जिसे हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, है कि नहीं? वो पढ़ेंगे हम। सो इस न्यूक्लियस से जुड़ा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ट्यूब टाइप, है कि नहीं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज जॉइंड विथ वॉट? विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज जॉइंड विथ न्यूक्लियस। ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज एसोसिएटेड विद राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज एसोसिएटेड विद राइबोसोम एंड और दूसरा होता है स्मूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक होते हैं स्मूद और एक होते हैं रफ। अब हमने कैसा कह दिया कि एक होता है रफ और एक होता है स्मूद? देखो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनमें राइबोसोम प्रेजेंट है, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनमें राइबोसोम प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ग्रैन्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कह सकते हैं। रफ को हम आरईआर कहते हैं, ग्रैन्यूलर ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब होता है दैट
दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच हैव राइबोसोम, जिसके पास राइबोसोम हो, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब जिनमें राइबोसोम एब्सेंट हो। अच्छा, दोनों के फंक्शन अलग अलग होते हैं। अच्छा, राइबोसोम अटैच कैसे होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो मैं आपको बताता हूँ। राइबोसोम्स की ना दो यूनिट होती है, राइबोसोम की दो यूनिट होती है। मैंने कल भी बताया था 70S वाला है कि नहीं, 80S वाला, 80S होता है इसमें अपने यूकेरियोट में। तो इसकी दो यूनिट होती है, एक होती है लार्जर यूनिट और एक होती है स्मॉलर यूनिट। तो दो यूनिट होती है राइबोसोम की, तो एक होती है 50S और एक होती है हमारी 30S, नहीं नहीं एक होती है प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं ना, एक होती है 60S और एक होती है 40S, प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं, सॉरी यूकैरियोट की बात कर रहे हैं हम। सो यूकैरियोट में 60S प्लस 40S होती है, ठीक है। सो लार्जर सब यूनिट जो है ऑफ राइबोसोम इज अटैच विथ ER विद द हेल्प ऑफ वन प्रोटीन, अ ग्लाइकोप्रोटीन। एक प्रोटीन होता है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब ऐसा प्रोटीन जो कार्बोहाइड्रेट और शुगर से बना हो। ग्लाइकोप्रोटीन इज अ प्रोटीन विच इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट और शुगर। तो राइबोसोम एक ग्लाइकोप्रोटीन की हेल्प से जुड़ा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो वो जो बड़ी वाली यूनिट है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वो अटैच होती है एंडोप्लाज्मिक बड़ी यूनिट, जो राइबोसोम की जो बड़ी यूनिट है। देखो राइबोसोम की दो यूनिट है, एक होती है लार्जर यूनिट और एक होती है स्मॉलर यूनिट। सो जो लार्जर यूनिट है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैसे जुड़ी हुई है, एक ग्लाइकोप्रोटीन की हेल्प से। वो ग्लाइकोप्रोटीन का नाम क्या है, राइबोफोरिन वन एंड टू, राइबोफोरिन वन राइबोफोरिन टू, उसकी हेल्प से जुड़ी होती है। अच्छा, RER का क्या रोल होता है और SER का क्या रोल होता है। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस और एंजाइम सिंथेसिस, ठीक है। एंजाइम जो है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। सो राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन बनाना। अब ये राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ गई तो हम उसे कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, वही जो राइबोसोम का काम क्या है, राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन बनाना। तो RER का काम क्या है, प्रोटीन बनाना। तो दे फॉर्म एंजाइम प्रीकर्सर ऑफ राइबोसोम टू बी मेड ऑफ गोल्जी बॉडी। हमने क्या कहा था कि जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम के पास क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। वो जो एंजाइम है वो कैसा बना, वो एंजाइम बनने की शुरुआत जो होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, जो बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो लोग जो है लाइसोसोम के एंजाइम के प्रीकर्सर्स बनाते हैं। प्रीकर्सर्स ऑफ लाइसोसोम्स मतलब दे फॉर्म एंजाइम प्रीकर्सर ऑफ लाइसोसोम टू बी मेड बाय गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम जो थे लाइसोसोम के अंदर, वो कैसे आए, वो किसने बनाया, वो गोल्जी बॉडी ने बनाया। वो डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम को मटेरियल किसने दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो हम कह सकते हैं प्रीकर्सर, एंजाइम प्रीकर्सर ऑफ लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस एंजाइम्स आर मेड अप बाय गोल्जी बॉडीज। ओके, ये हो गया राइबोसोम। RER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं है, इनका काम है लिपिड्स बनाना, स्टेरॉइड्स बनाना, बस लिपिड बनाना, स्टेरॉइड बनाना, ठीक है। नहीं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ कहाँ कहाँ मिलते हैं। देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पेनक्रियास के सेल्स में मिलेंगे, पेनक्रियाटिक सेल्स में, सेलाइवरी सेल्स, लीवर सेल, मतलब जहाँ भी एंजाइमेटिक वर्क हो रहा है, मतलब सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं, पेनक्रियास में, लीवर में, वहाँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ मिलेगा, जहाँ पर लिपिड्स की बात हो रही है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस में हेल्प करेगा लीवर में, लाइक ग्लाइकोजन को तोड़ के लिपिड बनाएगा, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन इन लीवर हैव साइटोक्रोम 450। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, किसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लीवर का। लीवर का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है
वो एक सब्सटेंस कैरी करता है अपने साथ जिसका नाम है साइटोक्रोम 450। साइटोक्रोम 450 क्या करता है, जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं लिवर में, उसको हटाता है, उसे डिटॉक्स करता है। तो साइटोक्रोम 450 इज प्रेजेंट इन SER ऑफ लिवर। फंक्शन क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन। फिर उसके बाद है दैट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम ए ग्रैन्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, वो जो है मसल सेल में, जो मसल्स में जो हमारी सेल है उसमें जो है प्रेजेंट होता है, मसल की सेल्स में होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पर वहाँ पर उसका कोई और नाम है, लाइक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इट इज अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल। फंक्शन क्या है? फंक्शन है कैल्शियम को मसल में स्टोर करना, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम इन मसल सेल। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट अदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या क्या है अदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? पहला फंक्शन है दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स सेल्स एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोस्केलेटन का मतलब क्या है? जो भी एक ढांचा है कि नहीं, क्योंकि ऐसा ट्यूब्यूलर टाइप का होता है ना, तो ये सेल का एंडोस्केलेटन बनाता है। ठीक है, ये प्लाज्मोडेस्मेटा के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। किसमें? प्लाज्मोडेस्मेटा के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, सो प्लाज्मोडेस्मेटा बनाने में भी ये हेल्प करते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है? देखो, जैसे मान लो ये एक सेल है और ये एक दूसरा सेल है, तो ये दोनों एक दूसरे में आपस में कुछ चीज़ें ट्रांसपोर्ट करेंगे, सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो इनके बीच में ना एक पाइपलाइन जैसी एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा है कि नहीं, प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। ठीक है, देखो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मोडेस्मेटा। ये दो सेल्स के बीच में एक लाइक एक ब्रिज की तरह काम करता है। ये किसका बना होता है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बना हुआ होता है। ओके, देन दूसरी चीज क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बना हुआ होता है, और अगर सब्सटेंस सिर्फ प्लाज्मा मतलब सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए जा रही है, तो इस तरह की मूवमेंट को हम एपोप्लास्ट मूवमेंट कहते हैं। एपोप्लास्ट बोले तो सिर्फ सेल वॉल से होते हुए जाना है कि नहीं, इस तरह से सेल वॉल से होते हुए जाना, इसे हम कहेंगे एपोप्लास्ट, थ्रू सेल वॉल। अगर आपका सब्सटेंस जो है प्लाज्मोडेस्मेटा को होते हुए जा रहा है या सेल साइटोप्लाज्म से ऐसा होते हुए जा रहा है, उस मूवमेंट को हम कहते हैं सिम्प्लास्ट। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में, ये अगर नहीं भी समझ आया तो कोई बात नहीं, लेकिन प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है? एक ऐसा ब्रिज जो दो सेल्स को जोड़ता है और सब्सटेंस का आदान प्रदान होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है? रीफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एट द एंड ऑफ सेल डिवीजन। देखो, जब भी सेल डिवीजन होता है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो गायब हो जाती है, तो जैसे जैसे सेल डिवीजन खत्म होने को आता है, तो फिर से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करती है रिफॉर्म होती है, उसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही हेल्प करता है। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स गॉल्जी बॉडी, स्पीरोसोम, परऑक्सीसोम एंड ग्लायऑक्सीसोम। ठीक है, और भी गॉल्जी बॉडी बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ और माइक्रो बॉडीज जैसे स्पीरोसोम है, परऑक्सीसोम है, ग्लायऑक्सीसोम से, इन्हें भी बनाता है। ठीक है, तो आप ये याद कर लीजिए। अब आ जाते हैं गॉल्जी बॉडी पे। हमने पढ़ लिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे गॉल्जी बॉडी क्या होती है। ठीक है, गॉल्जी बॉडी को जो डिस्कवर्ड किए थे, जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किए थे गॉल्जी बॉडी, वो थे हमारे कैमिलो गॉल्जी। कैमिलो गॉल्जी इनका नाम था, और इनके नाम पे रखा गया इस ऑर्गेनेल का नाम गॉल्जी बॉडी। सो गॉल्जी बॉडी को डिस्कवर किसने किया था? कैमिलो गॉल्जी ने। ठीक है, कहाँ से किया था डिस्कवर्ड? इन ब्रेन सेल्स ऑफ आउल, जो आउल होता है उल्लू, उल्लू के जो ब्रेन सेल्स हैं उसमें से डिस्कवर्ड किए थे गॉल्जी बॉडी। किसने? कैमिलो गॉल्जी ने। कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप सैक और सिस्टर सिस्टर
डिस्क शेप सैक, ओके ठीक है। सो ये जो गॉल्जी बॉडी है इनके पास एक फ्लैट डिस्क शेप ऐसी थैलियो जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनका डायमीटर 0.5 से 1 माइक्रोमीटर होता है। क्या होता है? 0.5 से 1 माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोमीटर को इस तरह से लिखते हैं, इनका डायमीटर ये होता है। देखो गॉल्जी बॉडी, देखो इस तरह का शेप होता है, देखो ऐसे थैली टाइप शेप है, थैली टाइप शेप है। एक होता है इसका सिस फेस, अगर हम और थोड़ा जूम करें, देखो गॉल्जी बॉडी में क्या होता है, गॉल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। गॉल्जी बॉडी में ये जो ऐसे बन रहे हैं ना ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं सिस्टर्नी। क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। इसका एक फेस होता है कॉन्वेक्स, है कि नहीं? ये देखो ऐसा एक कॉन्वेक्स है कि नहीं, और ये क्या है? कॉनकेव सा है। ये होता है सिस फेस, ये होता है ट्रांस फेस, ये होता है कॉन्वेक्स। ये देखो ये कॉन्वेक्स है, देखो एक होता है ये, देखो ये क्या हो, ये क्या हुआ? कॉनकेव, कॉनकेव ये फेस, और ये क्या हुआ? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। अगर कोई चीज़ इस तरह से मुड़ी हुई है तो ये जो फेस है, लाइक ये वाला जो फेस है, ये वाला, इसको हम कहेंगे, इसको इसको ये जो मुड़ा हुआ पार्ट है, इसको इसको हम क्या कहेंगे? कॉनकेव। और ये जो बाहर निकल रहा है, ये बाहर वाला पार्ट, इसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स। तो दो फेस होते हैं, एक होता है कॉनकेव फेस, एक होता है कॉन्वेक्स फेस। तो ये जो है ये कैसा है? ये कॉन्वेक्स है, और ये कैसा है हमारे पास? ये है कॉनकेव, ये है कॉन्वेक्स, और ये है कॉनकेव। अगर हम इधर से देखें, अगर हम ऐसा देखें, तो ये ऐसा मुड़ा हुआ है, तो ये क्या है? कॉन्वेक्स, और ये क्या है? कॉनकेव। तो दो फेस है, सिस फेस क्या है? कॉन्वेक्स है, और ट्रांस फेस क्या है? कॉनकेव है। अब क्या होता है? देखो अब जो फंक्शन होते हैं गॉल्जी बॉडी के, कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे फंक्शन क्या? पैकेजिंग एंड सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस को पैक करना जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा है, और खुद के भी कुछ सब्सटेंस बनाना, है कि नहीं? जैसे मेरी एक कंपनी और एक दूसरी कंपनी है, दूसरी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बना के मुझे दे रही है और बोल रही है कि इसे पैकिंग करो, तो मैं पैक कर रहा हूँ, लेकिन मैं पैकिंग के साथ साथ खुद अपने भी कुछ प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ, बस वो वाली बात है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये है कि ये कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस में हेल्प करता है। तीसरा ये है कि ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये क्यों बनाता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड? कैसे बना ले रहा है? क्योंकि इसके पास एक एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है? ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम। ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम जो है वो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। अच्छा, और गॉल्जी बॉडी हमने कहाँ पढ़ता? अभी हमने सेल वॉल देखा, तो सेल वॉल में सेल प्लेट बनाने में कौन मदद कर रहा है? ये है कि नहीं? हमने पढ़ा था ना कि स्पिंडल फाइबर के ऊपर क्या आता है? गॉल्जी बॉडी, और ये क्या बनाती है? पूरी सेल प्लेट। अभी हमने पढ़ा, तो सेल प्लेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल वॉल की रिपेयरिंग में भी हेल्प करता है। ये लाइजोसोम्स बनाता है, ये एक्रोसोम बनाता है, या कैप ऑफ ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म तो सबको पता है कुछ इस तरह का होता है कि नहीं? स्पर्म कुछ इस तरह का होता है, ये स्पर्म लाइक इस तरह से कुछ होता है ना, एक स्पर्म का स्ट्रक्चर। तो इसके, ये स्पर्म के ऊपर ना जो कैप होती है ना, इसका इस कैप को हम कहते हैं एक्रोसोम। क्या कहते हैं? एक्रोसोम। इस कैप को हम क्या कहते हैं? एक्रोसोम। ओके, सो ये एक्रोसोम या हेड ऑफ स्पर्म जो है वो किसका बना होता है? ये ही गॉल्जी बॉडी का, गॉल्जी बॉडी का। तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात याद रखना, कैप वाला। और योक जो होता है, योक लाइक एग योक जो होता है ना, तो योक बनाने में भी हेल्प करता है। ठीक है, लाइजोसोम्स वाला भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये सब याद रखना। मेन क्या है? पैकेजिंग। क्या होता है? ये जो सिस फेस होता है ना गॉल्जी बॉडी का, जो सिस फेस होता है ना, ये एसोसिएटेड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। सब्सटेंस जो है यहाँ सिस फेस में आते हैं। सिस फेस को हम फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं, है कि नहीं? चीज़ें यहाँ आ रही, बन रही है, 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 और मैच्योर होके ये मैच्योरिंग फेस जिसम कहते हैं, या ट्रांस फेस होते हैं, वहाँ से निकलती है और ट्रांसपोर्ट हो जाती है। ट्रांस फेस से निकली, ट्रांसपोर्ट हो गई, सिस फेस में आई और ट्रांस फेस से निकल गई। ठीक है, ये हो गया आपका, इतना हो गया। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट। अब हम आ जाते हैं लाइजोसोम्स, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे वैक्यूल पे। ठीक है, फिर हम एनिमल वैक्यूल पढ़ेंगे, फिर वो सब, फिर उसके आगे क्या है भैया?
फिर डबल मेम्ब्रेनस सिस्टम, फिर एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लाइजोसोम की बात करते हैं, लाइजोसोम क्या होता है? लाइजोसोम्स की अगर हम बात करें, लाइजोसोम वॉज डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डी दुबे। लाइजोसोम किसने डिस्कवर्ड किया था? क्रिश्चियन डी दुबे ने लाइजोसोम्स की डिस्कवरी की थी। लाइजोसोम्स क्या होते हैं? दे आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्गी एपरेटस। ठीक है, द आइसोलेटेड लाइजोसोमल वेसिकल्स हैव बीन फाउंडेड टू बी वेरी रिच इन ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब मैं यहाँ पे पॉइंट करूँगा कि ये जो है वेरी रिच होता है इन ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोले तो एक ऐसे एंजाइम जो पानी की मदद से सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट करेंगे, है कि नहीं? पानी डाल के तोड़ रहे। सो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जैसे हाइड्रोलेसिस सारे जो है, लाइक लाइपेसिस, प्रोटीएसिस, कार्बोहाइड्रेसिस, ये सब क्या है? ये सब हाइड्रोलेसिस है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है। ऑप्टिमली एक्टिव एट एसिडिक पीएच। और ये जो है मतलब ये एंजाइम 24 घंटे में काम करेंगे। जब एक एक्टिव कब हो गए? जब इन्हें एक एसिडिक पीएच मिलेगा, जब एसिडिक मीडियम होगा तब ये एक्टिव हो गए, है कि नहीं? एसिडिक पीएच पे ये एक्टिव होते हैं। सो दिस एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। इनमें क्षमता होती कि ये कार्बोहाइड्रेट को खा जाए, प्रोटीन को खा जाए, लिपिड को खा जाए और न्यूक्लिक एसिड्स को भी खा जाए। इतनी बात समझ आ गई। लाइजोसोम जो है वह एनिमल सेल में बहुत पाए जाते हैं, लेकिन मेच्योर आरबीसी में आपको लाइजोसोम्स नहीं दिखेंगे, है कि नहीं? इतना समझ आ गया। रेयर इन प्लांट्स, प्लांट्स में लाइजोसोम्स बहुत ही रेयर मिलते भी है तो मेस के रूट में आपको मिलेंगे और टोबैको के जो एंडोस्पर्म है वहाँ मिलेंगे। एंडोस्पर्म क्या होता है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ सीड डैट स्टोर्स फूड। सीड पता है, बीज का वो वाला हिस्सा जो खाना स्टोर करेगा वो होता है एंडोस्पर्म। सो टोबैको के एंडोस्पर्म में आपको मिलता है क्या? लाइजोसोम, मेस के रूट में। लेकिन प्लांट्स में रेयरली मिलता है लाइजोसोम, एनिमल में कॉमन होता है, लेकिन मेच्योर आरबीसी में आपको लाइजोसोम नहीं दिखेगा। ये बात जो है, ये आ गया हमारा एक टॉपर्स क्वेश्चन, जो कोई लोग याद नहीं रखते हैं, कि नहीं? कुछ पॉइंट्स होते जो एक एवरेज और टॉपर में फर्क, लाइक यू नो, डिफरेंस क्रिएट करता है, लाइक ऐसे क्वेश्चंस। लाइजोसोम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड, फैट्स एंड प्रोटीन। Along with them, lysosome also digest or damage its own cell by its own enzyme. कभी कभी क्या होता है, लाइजोसोम जो है अपने ही सेल खा लेता है कि नहीं? Well, like अपने सेल नहीं, वो तो सेल का ही पार्ट है, like खुद को ही खा लेता है कि नहीं? Damage by its own, और लाइजोसोम खुद को भी नुकसान पहुंचा रहा है और पूरे सेल को भी नुकसान पहुंचा रहा है, पूरे सेल को ही खा जा रहा है लाइजोसोम। सो अलॉन्ग विद देम लाइजोसोम आल्सो डाइजेस्ट और डैमेज इट्स ओन सेल बाय इट्स ओन एंजाइम विच लीड टू सेल डेथ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोलिसिस। तो ऑटोलिसिस क्या होता है? आत्महत्या, खुद को खुद ही मारो। इसीलिए लाइजोसोम्स को जो है वो सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग्स। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम आ जाते हैं जो वो खुद के सेल को ही खा जाते हैं, ठीक है? खुद ही आत्महत्या कर ले रहे हैं। अच्छा, सेल का सॉरी क्या बोलेंगे, सेल लाइजोसोम्स के फंक्शन क्या होते हैं? लाइजोसोम्स का पहला फंक्शन होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, जितने भी सेल के अंदर जो चीज़ें आ रही है उन्हें डाइजेस्ट करना। फैगोसाइटोसिस या जर्म किलिंग बाय डब्ल्यूबीजी, जितने भी जर्म्स हैं, है कि नहीं, जितने भी जर्म्स हैं उन्हें मारना, है कि नहीं, उन्हें मारना, वो काम भी लाइजोसोम का होता है। कौन से वाले लाइजोसोम्स का? ऐसे लाइजोसोम जो वाइट ब्लड सेल में, डब्ल्यूबीसी आर द वॉरियर्स ऑफ आर ब्लड, है कि नहीं? हमारे ब्लड में अगर कोई भी चीज़ें आई है हमारी बॉडी में, हमारे बॉडी के वॉरियर होते हैं ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आर इम्यूनिटी। सो WBC को ताकत कहाँ से आ रही है? लाइक हाउ WBC इज किलिंग द जर्म्स विद द हेल्प ऑफ दिस लाइजोसोम। तो WBC के जो लाइजोसोम्स है वो फैगोसाइटोसिस करते हैं या जर्म किलिंग करते हैं, ये बात याद रखना। ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ऑफ बोन सेल भी ये करते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट होता है और एक ऑस्टियोब्लास्ट होता है, हम पढ़ेंगे जब हम ह्यूमन बोन पढ़ेंगे।
ऑस्टियोक्लास्टिक एंड ऑस्टियोब्लास्टिक। ऑस्टियोक्लास्ट मतलब ऐसे सेल जो लाइक जो सेल को डैमेज करे, सेल को खा जाए, लाइक बोन को जो खा जाए। सॉरी सॉरी, ऑस्टियो का, ऑस्टियो वर्ड बोन से रिलेटेड है। ऑस्टियो वर्ड जो है वो बोन से रिलेटेड है। ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी मतलब बोन को तोड़ना, है कि नहीं? तो जब जब बोन जो है वो आड़ी टेढ़ी ना हो जाए, लाइक बोन ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही है, लेकिन उसका एक प्रॉपर शेप जो है वो कैसे मिलेगा? जब उसको आप कटिंग करोगे, लाइक एक लकड़ी है, आप उसकी कटिंग करके उसको एक शेप दोगे ना, उसी तरह बोन की भी कटिंग होगी, है कि नहीं? नेचुरली। सो उस शेप टू बोन देना, ये भी लाइसोसोम का काम है। कैसे? ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, बोन को ही तोड़ो एक, है कि नहीं, साइड साइड से, और एक शेप दे दो प्रॉपर। जितने भी सेल ऑर्गेनेल है वो पुराने हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनकी रिसाइकलिंग करना, वो भी करता है हमारा लाइसोसोम। तो लाइसोसोम बहुत काम कर रहे हैं। हम आ जाते हैं वैक्यूल पे। देखो, वैक्यूल जो होता है, थ्रू वैक्यूल जो है वो यूकैरियोट में मिलता है कि नहीं? थ्रू वैक्यूल प्रोकैरियोट में नहीं मिलता है। हाँ, एक वैक्यूल मिलता है जो कि थ्रू नहीं है, एक फॉल्स वैक्यूल है जो कि मिलता है हमें ब्लू ग्रीन एल्गी में, जिसे हम कहते हैं गैस वैक्यूल। तो वैक्यूल दो तरह के होते हैं, एक होता है प्लांट वैक्यूल और एक होता है एनिमल वैक्यूल, है कि नहीं? प्लांट वैक्यूल दो तरह, प्लांट वैक्यूल के दो पार्ट होते हैं। देखो, मैंने वैक्यूल को पार्टली लिविंग में रखा था, है कि नहीं? वैक्यूल क्या था? वैक्यूल वॉज पार्टली लिविंग, आधा जिंदा है आधा जिंदा नहीं, मतलब हाफ इज लिविंग हाफ इज नॉन लिविंग। तो इसकी ये जो वैक्यूल होता है, इसकी मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। वैक्यूल ऐसा होता है जिसकी मेम्ब्रेन होती है टोनोप्लास्ट, और इसके अंदर जितना भी मटेरियल है इसे हम कहते हैं सैप। ये क्या है? वैक्यूल का स्ट्रक्चर। तो वैक्यूल में क्या होता है? ये है वैक्यूल, ये इसकी मेम्ब्रेन है टोनोप्लास्ट, और इसके अंदर है सैप। सो वैक्यूल की अगर हम बात करें तो ये टोनोप्लास्ट है। टोनोप्लास्ट के इट इज आउटर लिविंग सेमी परमिएबल सिंगल मेम्ब्रेन। देखो, सेमी परमिएबल है, चीज़ों को आने जाने देती है। आउटर लिविंग सेमी परमिएबल सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन की है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की बात करें तो सिंगल मेम्ब्रेन ही। इट प्रोवाइड्स पैसेज ऑफ सब्सटेंस इनटू वैक्यूल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, है कि नहीं? जैसे मान लो यहाँ 20 वाटर मॉलिक्यूल है और यहाँ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है? तो 20 से 10 चीज़ें जानी चाहिए अलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बट टोनोप्लास्ट क्या करती है? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाके जो है चीज़ों को लाइक पैसेज प्रोवाइड करती है, राइट? सो टोनोप्लास्ट इज अ आउटर लिविंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इट प्रोवाइड्स पैसेज ऑफ सब्सटेंस इनटू वैक्यूल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अच्छा, अगर हम बात करें सेल सैप की, सेल सैप क्या होता है? सैप ऑक्यूपाइज 90% पार्ट ऑफ सेल। सेल का 90% पार्ट जो है वो ये सेल सैप ही ले लेता है। मतलब एक सेल है, उसमें से 90% ये सेल सैप ही जगह घेर लेता है। ये नॉन लिविंग होता है, इसमें 99% जो है हमारे पास वाटर होता है, और 1% जो है वो होता है वेस्ट, होता है अमाइनो एसिड, शुगर, ये सब होता है। जो सेल सैप होता है वो नॉन लिविंग होता है, टोनोप्लास्ट जो होती है वो लिविंग होती है। तो मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ लिविंग, और ये क्या है? नॉन लिविंग। अगर हम बात करें एनिमल वैक्यूल की, ठीक है? सो एनिमल वैक्यूल की अगर हम बात करें, सो एनिमल में जो है वैक्यूल जो है वो इतना एसेंशियल नहीं है, है कि नहीं? वैक्यूल का इतना कोई फंक्शन नहीं है एनिमल्स में, प्लांट में है। इट इज़ नॉट एसेंशियल इन एनिमल। मल्टीपल स्मॉल, लाइक जैसे प्लांट में एक बड़ा सा था ना वैक्यूल, लार्ज, है कि नहीं? 90% जगह घेर रहा था सेल सैप इसका। इसमें छोटे छोटे से छोटे छोटे वैक्यूल्स मिलेंगे आपको, छोटे छोटे थैली, है कि नहीं? सो वैक्यूल कॉन्ट्रैक्टाइल भी हो सकते हैं और फूड वैक्यूल भी हो सकते हैं। देखो, फूड वैक्यूल का काम क्या होता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन, लाइक प्रोटोजोन्स में आपको दिखेगा फूड वैक्यूल, ठीक है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मोसिस करना। ऑस्मोसिस का मैंने मतलब समझा है पानी का ट्रांसफर, है कि नहीं? सिंपल डिफ्यूजन से। सो अमीबा में दिखेगा, यूग्लिना में, पॉरीफेरा में, फ्रेश प्रोटोजोन में, है कि नहीं? तो ये सब है, कॉन्ट्रैक्टाइल का काम है ऑस्मो रेगुलेशन। सो फंक्शन ऑफ सैप वैक्यूल क्या है? जो सैप वैक्यूल हमने पढ़ा था प्लांट में, उसका फंक्शन क्या है? टर्जिडिटी प्रोवाइड करना सेल को, है कि नहीं? टर्जिडिटी कैसा? जैसे लाइक टर्जिडिटी कैसे? ऑस्मोसिस से, है कि नहीं? जैसे मान लो बाहर जो है लाइक
सेल जो है वो सिकुड़ सा गया है, तो बाहर जो है वैक्यूल पानी देगा, है कि नहीं, बाहर पानी देगा और इसे टर्जिट कर देगा। सो इस तरह से स्टोर्स एंड कंसनट्रेट वेस्ट प्रोडक्ट को कंसनट्रेट करेगा, कलर प्रोवाइड करेगा फ्लावर्स को ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंथोसाइनिन। इसके पास एक पिगमेंट होता है एंथोसाइनिन नाम का, इसके कारणवश वो फ्लावर्स को भी कलर प्रोवाइड करता है। डबल मेम्ब्रेन सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल के बारे में हम बात करेंगे। अभी तक हमने एंडोमेम्ब्रेनस देख लिए जो सिंगल मेम्ब्रेन थे, अब हम डबल मेम्ब्रेन में आ जाते हैं। डबल मेम्ब्रेनस को हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल भी कहते हैं, मतलब आधे ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल आधे ये ऑटोमेटिक है, मतलब ये आधे काम खुद कर ले रहे हैं। कैसे? डबल मेम्ब्रेन सेमी ऑर्गेनेल्स कौन कौन से? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया है और हमारे पास प्लास्टिड है जो ये है, ठीक है। दे हैव सिंगल सर्कुलर नेकेड डबल स्टैंडर्ड डीएनए लाइक प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट की तरह इनके पास भी खुद का डीएनए है, सिंगल सर्कुलर नेकेड डीएनए, नेकेड हाँ, ऐसा कोई न्यूक्लियस जैसी चीज़ नहीं, नेकेड, ये भी प्रोकैरियोट की तरह पड़ा हुआ है। सिंस दे हैव देयर ओन डीएनए एंड ऑल्सो 70S राइबोसोम, इनके पास 70S राइबोसोम होता है। साइटोप्लाज्म में 80S मिलेगा आपको यूकैरियोट के, और इसके अंदर क्या मिलेगा? 70S राइबोसोम। दे कैन मेक देयर ओन प्रोटीन्स। अब भाई प्रोटीन अगर बना रहा है तो बहुत सारे काम ये कर ले रहा है, इसलिए सेमी ऑटोमेटिक है, इसके पास 70S राइबोसोम है, ये खुद के प्रोटीन बना रहा है। सो एक्सेप्ट द आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन फॉर विच दे आर अंडर कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर डीएनए। देखो ये जो डीएनए है इसके पास आउटर मेम्ब्रेन है ना, तो आउटर मेम्ब्रेन भी कुछ प्रोटीन का बना हुआ है, तो वो प्रोटीन जो है वो न्यूक्लियर डीएनए ने बनाया है, जो मेन डीएनए है, और ये जो सर्कुलर डीएनए है वो बाकी सब प्रोटीन बना रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड के अंदर वाले। दे रिमेन अलाइव एंड फंक्शनल व्हेन आइसोलेटेड फ्रॉम सेल, हेंस कॉल्ड सेल विद इन सेल। देखो ये आधे काम खुद कर ले रहा है, अगर हम जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सेल से निकालते तो कुछ काम करें, गॉल्जी बॉडी को सेल्स निकाल दिए कुछ काम करनी, लाइसोसोम्स को निकाल दिए, वैक्यूल को कुछ काम करनी, लेकिन अगर हमने ये माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को सेल में से निकाल लिया तब भी ये फंक्शन परफॉर्म करेगा, तब भी ये जिंदा रहेगा। दे रिमेन अलाइव एंड फंक्शनल व्हेन आइसोलेटेड फ्रॉम सेल, हेंस कॉल्ड सेल विद इन सेल। ओके, अब हम आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को सिंगुलर में माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं, बहुत सारे को माइटोकॉन्ड्रिया और एक को माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन आर नॉट इजीली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, ये क्वेश्चन आ सकता है सेक्शन बी में, नीट में। क्या है? अगर हमने माइटोकॉन्ड्रिया को कलर से स्टेन नहीं किया तो हमें वो माइक्रोस्कोप में नहीं दिखेंगे। दे आर नॉट ईजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, अनलेस जब तक हम उन्हें स्टेन नहीं करेंगे तो इन्हें स्टेन करने पे ही तब ये दिखेंगे, मतलब स्टेन करोगे तो माइक्रोस्कोप में दिखेंगे, स्टेन नहीं करोगे तो माइक्रोस्कोप में नहीं दिखेंगे। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के शेप की बात करें, ये सॉसेज शेप या सिलेंड्रिकल शेप का होता है। देखो सॉसेज कैसा होता है, लाइक ऐसा कुछ शेप का होता है ऐसा, लेकिन ये देखो सॉसेज शेप का या सिलेंड्रिकल शेप का है कि नहीं। इसका डायमीटर जो होता है वो 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होता है। कैसा होता है? 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होता है, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होता है। एवरेज डायमीटर इसका होता है 0.5 माइक्रोमीटर। अच्छा, इसके डायमीटर की बात कर ली हमने, अब हम इसके लेंथ की बात करेंगे। लेंथ होता है 1 से 4 माइक्रोमीटर, 1 से 4.1 माइक्रोमीटर, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ होती है आउटर मेम्ब्रेन, फिर होती है इनर मेम्ब्रेन, इसके अंदर क्या होता है? मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या होता है? ठीक है, सो इसमें क्या होता है? मैट्रिक्स होता है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो है ना इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन ना कुछ अंदर की तरफ फोल्ड्स बनाता है जिसे हम कहते हैं क्रिस्टा, और आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर है और ये इनर मेम्ब्रेन है, इनके बीच में एक स्पेस है। देखो ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, इनके बीच में कुछ स्पेस है कि नहीं? उस स्पेस को क्या कहते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। सो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्या है?
ये बाहर में और अंदर में एक है कि नहीं। सो स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर हमने देखा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट में, मैट्रिक्स हमने देखा। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स ये देखा ना हमने, मैट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है, एक डेंस होमोजीनस मतलब जो यूनिफॉर्मली घुला हुआ, ऐसे नहीं कि इधर अधूरा इधर ये, ऐसे मैट्रिक्स मतलब होमोजीनस सब्सटेंस फिलिंग द इनर कंपार्टमेंट, अंदर का जो खाली एरिया उससे जो भर रहा है, वो सब्सटेंस जो भर रहा है उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इन फोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टी, क्रिस्टी बनाता है, एक को हम कहते हैं क्रिस्टा और बहुत सारे को क्रिस्टी, टूवर्ड्स द मैट्रिक्स। द क्रिस्टल इंक्रीजेस द सर्फेस एरिया, जो क्रिस्टी होती है ना, ये क्रिस्टी ये सर्फेस एरिया को बढ़ा देती है, जस्ट लाइक जो हमने मीजोसोम्स नहीं पढ़े थे क्या प्रोकैरियोट्स में, पिछली क्लास याद करो, बस वही। दिस टू मेम्ब्रेन नेम देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन, ये दो मेम्ब्रेन है ना, इनके पास और स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन में हेल्प करते हैं। आउटर मेम्ब्रेन हैज एक्वापोरिन्स, एक्वापोरिन्स मतलब तो ऐसे प्रोटीन जो पानी पानी के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक्वापोरिन्स। इनर मेम्ब्रेन के पास कुछ एंजाइम होती है, क्वेश्चन आ सकता है आउटर मेम्ब्रेन में एक्वापोरिन है कि इनर मेम्ब्रेन में, आउटर मेम्ब्रेन में। इनर मेम्ब्रेन हैव एंजाइम्स, इनर मेम्ब्रेन के पास एंजाइम है, कौन से एरोबिक रेस्पिरेशन के एंजाइम लाइक सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेस साइट्रोक्रोम ऑक्सीडेज, ये सब हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियो में। सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेस साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ये याद रखना, सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेस साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। इसके पास कुछ पार्टिकल्स होते हैं F1 F0 पार्टिकल्स, है कि नहीं, F1 F0 पार्टिकल्स जिसे हम ऑक्सीजोम्स भी कहते हैं। सो F1 F0 पार्टिकल्स को हम ऑक्सीजोम्स भी कहते हैं। इट इज अ साइट ऑफ ATP सिंथेसिस, हैज ATPs ATPase एक्टिविटी, मतलब क्या होता है, ये जो हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है ना, इसके पास कुछ पार्टिकल्स होते हैं या ऑक्सीजोम्स जिन्हें हम कहते हैं F1 F0 पार्टिकल्स, ये है F1 ये है F0 पार्टिकल्स राइट, जिन्हें हम ऑक्सीजोम्स भी कहते हैं। ये ATP बनाने में हेल्प करता है, क्यों, क्योंकि इनके पास ATPase एक्टिविटी का एंजाइम होता है, ATPase एंजाइम होती है तो ATPase एक्टिविटी होती है। मैट्रिक्स के पास देखो, ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसके पास सारे एरोबिक रेस्पिरेशन के एंजाइम है, जो मैट्रिक्स है उसके पास क्रैब साइकिल और TCA साइकिल के लिए एंजाइम है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जिसे हम कहते हैं, हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियो में, अभी के लिए याद रखना मैट्रिक्स के पास क्रैब साइकिल के लिए एंजाइम्स होते हैं, है कि नहीं, सारे एंजाइम एक्सेप्ट सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस नहीं होता है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस का होता है इनर मेम्ब्रेन में, बाकी सारे मतलब बाकी सारे इनर मेम्ब्रेन में लाइक बाकी सारे मैट्रिक्स में है और सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस इनर मेम्ब्रेन में, ठीक है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस की बात करें तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट है, यहाँ पर ATP बन रही है, F1 F0 पार्टिकल इनर मेम्ब्रेन में, इसलिए हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ATP जनरेट करता है, ये हीट प्रोडक्शन करता है, क्यों, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है तो हीट भी प्रोड्यूस होगी, प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प कर रहा है, क्यों, क्योंकि खुद के राइबोसोम्स है, ऑल्सो हेल्प इन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड्स का बीटा ऑक्सीडेशन रखता है, इसे याद कर लो। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डिवाइड कैसे होता है, सिंपल फिजन, ये 1, 2, 3, 4 ऐसे फिजन, सिंपल ये एक माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें फिजन होगा दो बनेंगे, सिंपल फिजन से जो है माइटोकॉन्ड्रिया बनता है, डिवाइड होता है। अब हम आ जाते हैं एंडोमेम लाइक डबल मेम्ब्रेनस सिस्टम में, प्लास्टिड में, प्लास्टिड में जो था सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ लिया, प्लास्टिड देखते हैं, प्लास्टिड जो है सारे प्लांट सेल में मिलेगा और यूग्लेनॉइड्स में मिलेगा, ईजिली ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज, ये बड़े बड़े होते इसलिए ये ईजिली दिख जाते, माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करना पड़ता था लेकिन इसको स्टेन करने की ज़रूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ प्लास्टिड की अगर हम बात करें तो पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, फिर होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का, क्रोमोप्लास्ट हर कलर का होता है लेकिन ग्रीन कलर का नहीं होता है, क्रोमोप्लास्ट हर कलर का होगा, कलर्ड कोई भी कलर हो सकता है लेकिन ग्रीन नहीं होगा, अगर ग्रीन होगा तो क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन नहीं होगा तो क्रोमोप्लास्ट।
मोर कैरोटीनॉइड पिगमेंट, इसमें कैरोटीनॉइड पिगमेंट ज़्यादा होता है। कौन से कैरोटीनॉइड पिगमेंट? एक होता है कैरोटीन, कैरोटीन इज अ कैरोटीनॉइड पिगमेंट। जैंथोफिल इज अ कैरोटीनॉइड पिगमेंट। कैरोटीन जो है वो रेड ऑरेंज कलर है कि नहीं, रेड ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है। जैंथोफिल ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है कि नहीं। अब हम आ जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है कलरलेस वाइट होता है। इसका काम होता है खाना स्टोर करना है कि नहीं। अगर ये स्टार्च स्टोर कर रहा है तो इसे हम कहेंगे अमाइलोप्लास्ट। अगर ये प्रोटीन स्टोर कर रहा है तो हम इसे कहेंगे एल्यूरोप्लास्ट। अगर ये फैट और लिपिड स्टोर कर रहा है तो हम इसे कहेंगे एलायोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। ये सब याद करने वाले पॉइंट है, समझा मैंने दिया है आपको, बैठ के रट्टा मारना है बस। समझ सब जाते हैं लेकिन चीज़ें टाइम पर याद रहना भी इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव में, और समझ के भी लेना इम्पॉर्टेंट है, लाइक कॉमन सेंस लगाना है कि नहीं। जो ये देखो, ये है एक प्लास्टिड का स्ट्रक्चर, एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें, क्लोरोप्लास्ट कॉमनली मिलता है, तो इसमें भी सेम आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन यहाँ पर एक नया स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं ग्रैनम, है कि नहीं। ये देखो, ये थैली जैसे दिख रहा है स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं, एक को हम कहते हैं ग्रैनम। सो ग्रैनम क्या होता है? ग्रैनम जो है वो एक ऐसा डिस्क होता है, ग्रैनम एक डिस्क होती है, ठीक है। ग्रैनम की ऐसी थैलियों जैसे ढेरियां लगती है और ये मिलके बनाते हैं थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड ग्रैनम क्या है? एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। ग्रैनम 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 मिलके बनाते हैं थाइलाकॉइड। ये देखो थाइलाकॉइड है कि नहीं। एक थाइलाकॉइड या एक ग्रैनम दूसरे से कैसे जुड़ा है? एक पाइप के थ्रू जुड़ा है जिसे हम कहते हैं स्ट्रोमल लैमिली। लैमिली क्या है? इज अ पाइप जो दो थाइलाकॉइड या दो ग्रैनो को जोड़ती है। सो मोर क्लोरोफिल ए एंड बी पिगमेंट है कि नहीं। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी बहुत मिलता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। कौन? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस से बनेंगे हमारा खाना, ग्लूकोज बनेगा, खाना बनेगा, इसलिए हम इसे किचन कहते हैं। किचन में खाना बनता है ना, इसलिए। आउटर मेम्ब्रेन में भी एक्वापोरिन है, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ये सिमिलैरिटी है। इनर मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन जो है वो लैमिली बना रहा है, फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक है कि नहीं, जो दो ग्रैना को जोड़ रही है लैमिली। फिर थैलाकॉइड बनाता है बाय डायलेटेशन ऑफ लैमिली, लाइक लैमिली ही थोड़ा डायलेट होके बनाती है थाइलाकॉइड। ग्रैनम जो है स्टैक्ट या पाइलअप ऑफ थाइलाकॉइड, ठीक है। सो लैमिली बनाई थाइलाकॉइड, और ये क्या है? ग्रैनम जो है थाइलाकॉइड से बना हुआ है। नोट, थाइलाकॉइड ग्रैनम मेम्ब्रेन इज साइट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो, इसके जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक स्ट्रक्चर है इस तरह से, है कि नहीं। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। इस एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड, अब थाइलाकॉइड 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 मिलके बनाते हैं ग्रैनम। मैंने थोड़ा पहले मिस्टेक कर दिया था आपको, ग्रैनम और थाइलाकॉइड गलत बता दिया था, ये वाली बात सही है, लाइक कंफ्यूज हो गया था ग्रैनम और थाइलाकॉइड में। थाइलाकॉइड क्या है? डिस्क के जैसा, और थाइलाकॉइड 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 मिलके बनाते हैं ग्रैनम। ओके, सो ये बात है, ये बात याद रखना। तो थाइलाकॉइड के डिस्क शेप होता है, मिलके बनाते हैं, स्टैक अप या पाइल अप होके बनाते हैं ग्रैनम। देखो, जो ग्रैनम और थाइलाकॉइड है, इसकी जो मेम्ब्रेन है ना, ये मेम्ब्रेन, यहाँ पर होती है लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की दो रिएक्शन होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन होती है ना, इस थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में होती है, मेम्ब्रेन मतलब कवरिंग में होती है, ठीक है, ये बात याद रखना। चलो, समझ आ गया। स्ट्रोमा क्या है? इसके अंदर एक स्ट्रोमा था ना, स्ट्रोमा क्या है? स्ट्रोमा इज जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड क्लोरोप्लास्ट।
इट इंक्लूड 70S राइबोसोम जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, इसका भी डीएनए है इसलिए इसे सेल विद इन सेल कहते हैं, इसके पास एंजाइम्स है डार्क रिएक्शन के लिए, इसलिए डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है। सो दे हैव इंजाइम्स फॉर डार्क रिएक्शन, दे हैव इंजाइम्स फॉर डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल या सी3 साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाऊँ तो कमेंट में बोल दो, प्लांट फिजियोलॉजी या जो चैप्टर चाहते हो कमेंट में बोल दो, ठीक है। अगर आप लास्ट तक टिके हुए हो तो आप टॉपर हो मेरे हिसाब से, क्योंकि लास्ट तक कोई नहीं टिकता है, शुरू शुरू में सब देख के चले जाते हैं। लास्ट तक बने रहना इज अ ट्रू डेडिकेशन जो आप लोग दिखा रहे हो, सो वेल डन। अब हम आ जाते हैं राइबोसोम्स पे। राइबोसोम्स क्या होते हैं? इसको जॉर्ज पैलेड ने डिस्कवर किया था। ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में दिखते हैं। ऑल्सो फाउंड इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, अभी देखा। ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल के अंदर ऑर्गेनेल, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक ऑर्गेनेल है। ऑर्गेनेल के अंदर क्या मिल रहा है? राइबोसोम, जो कि खुद एक ऑर्गेनेल है, तो हम कह सकते हैं ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल। स्मॉलेस्ट ऑल ऑर्गेनेल फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है, स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनेल, सारे ऑर्गेनेल में सबसे स्मॉलेस्ट ये है। इसके अकरेंस की अगर हम बात करें सो ये फ्रीली भी मिल सकता है राइबोसोम में। इसकी दो यूनिट होती है ना, बड़ी छोटी, लार्ज स्मॉल यूनिट है कि नहीं, तो साइटोप्लाज्म में फ्रीली मिल सकता है। ये mRNA के साथ, ये देखो ये जो mRNA है उसके साथ मिल के पॉली राइबोसोम या पॉलीजोम्स भी बना सकता है। उसके अलावा ये जो राइबोसोम है ना, राइबोसोम्स जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच हो सकते हैं। कौन से प्रोटीन में? राइबोफोरिन प्रोटीन, जो क्या था, एक ग्लाइको प्रोटीन था। ये लार्जर यूनिट है राइबोसोम की, ये स्मॉलर यूनिट है। लार्जर यूनिट स्मॉलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कौन से प्रोटीन से जुड़ा है? राइबोफोरिन प्रोटीन से, ठीक है। ईच राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सब यूनिट, एक होता है लार्जर सब यूनिट और एक होता है स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट कंबाइन ओनली एट क्रिटिकल या मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ 0.001 m। क्या होता है? मोलैरिटी, जो कि मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था हमने। मोल कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो आप जाके देख लो। हर राइबोसोम में दो यूनिट होती है, एक होती है लार्जर यूनिट और एक होती है स्मॉलर यूनिट, ठीक है। लार्जर और स्मॉलर जुड़ती है, कब जुड़ती है? जब मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ 0.01 मोलैरिटी हो। किसकी कंसंट्रेशन? मैग्नीशियम की, ठीक है। तो ये दोनों यूनिट कब जुड़ेगी? जब हमारे पास मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन 0.01 मोलैरिटी होगा, ठीक है, तभी। राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स आर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, आरएनपी होते हैं। राइबोसोम्स आर आरएनपी, आरएनपी मतलब राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। कैसे बनते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन? आरआरएनए प्लस प्रोटीन से बने होते हैं। कैसे बने होते हैं? आरआरएनए प्लस प्रोटीन मिलके बनाते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं राइबोसोम। राइबोसोम कैसे? राइबोसोम्स आर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोसोम्स आर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोसोम्स कैसे बने हुए हैं? आरआरएनए से और प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं राइबोसोम्स। आरआरएनए क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए। अच्छा, राइबोसोम में हमने पढ़ा था 70S, 80S, है कि नहीं। ये एस क्या होता है? एस होता है स्वेडबर्ग यूनिट। तो साइज इज डिपिक्टेड इन स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। इट इज़ अ इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी एंड साइज डिनोटेड बाय एस, ठीक है। अगर हम राइबोसोम्स के टाइप्स देखें तो दो तरह के होते हैं, 70S और 80S। जो 70S होते हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं? प्रोकैरियोट में और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में। 80S हमें यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। अगर हम 70S की बात करें तो 70S दो यूनिट से बना है, 50S और 30S से मिलके बना है। ये देखो 50S वाले में ना किस किस तरह के आरआरएनए होते हैं, लाइक राइबोसोम जो है वो आरआरएनए और प्रोटीन से मिलके बना है, तो किस तरह का आरआरएनए आपको देखने को मिलता है राइबोसोम्स में? तो 50S जो लार्जर सब यूनिट है उसमें हमें 23 23S आरआरएनए,
प्लस 5s rRNA देखने को मिलता है। 50s में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, 23s rRNA प्लस 5s rRNA। देखो मैंने लिख के रखा है, ये जूम करके बताओ तो 50s किससे मिलके बना है, 23 प्लस 5 से, 23 प्लस 5 rRNA से। 30s में क्या मिलता है हमें, 16s rRNA। 50s और 30s मिले और उन्होंने बनाया 70s। 50 प्लस 30 क्या होता है, 70 होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम बायो के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 80s किससे मिलके बना है, 60 प्लस 40 से। सोचो मैथ्स वाले बच्चे ये देख रहे होंगे, उनकी क्या हालत हो रही होंगी, 60 प्लस 40, 80 कैसा हुआ, 60 प्लस 40 तो 100 होता है, लेकिन हम बायो वाले हैं, हमें पता है 60 प्लस 40 जो है वो होता है 80। 60 प्लस 40 क्या होता है, 80 होता है, बस ये याद रखना। और 50 प्लस 30 क्या होता है, 70। सो 60s में क्या मिलता है आपको, 28s, 5s, 5.8s rRNA, 28s, 5s, 5.8s rRNA। 40s में आपको 18s rRNA देखने को मिलता है। 60 प्लस, ठीक है, सो 60 प्लस 40s से मिलके बना ये। 60s में क्या है, 28s rRNA, 5s rRNA, 5.8s rRNA, किस में, 60 में, 40 में है 18s। तो ये याद कर लेना, ये सब याद करने वाला पॉइंट है। मैंने एकदम अच्छे से ये डायग्राम जो है एनसीईआरटी के, इसके ऊपर मैंने लिखा ताकि कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, 23s 28s rRNA इज अ राइबोसाइम। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन, बट ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन, सम आर आरएनए। ये देखो 23s और 28s जो था ना, 23 किस में मिल रहा था हमें, 50s में, और 28 किस में मिल रहा था हमें, 60s में। ये जो है, ये जो rRNA है, ये राइबोसाइम की तरह काम करते हैं, मतलब ये एंजाइम की तरह एक काम करते हैं। दे आर पेप्टाइडल ट्रांसफरेस एंजाइम, हेल्प इन फॉर्मिंग पेप्टाइड बॉन्ड इन बिटवीन अमाइनो एसिड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोसेस। देखो होता क्या है बेसिकली, अगर हम बात करें जब आप सेंट्रल डोगमा पढ़ेंगे इसमें जेनेटिक्स में क्लास 12th में, तो उसमें यह है कि जब आप डीएनए से डीएनए बनाते हो तो उसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, और प्रोटीन में होते हैं अमाइनो एसिड्स। सो जो अमाइनो एसिड्स को जोड़ जोड़ के प्रोटीन बनाया जाएगा, अमाइनो एसिड को जोड़ जोड़ के प्रोटीन बनाया जाएगा। सो अमाइनो एसिड्स कैसे जुड़ेंगे एक अमाइनो एसिड के साथ, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, सो ये पेप्टाइड बॉन्ड को जोड़ने का काम करेंगे पेप्टाइडल ट्रांसफरेस एंजाइम, किसके पास होगी, ये आरआरएनए के पास होगी। तो ये एक तरह के एंजाइम्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सो फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज प्रोटीन सिंथेसिस, नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री या इंजन ऑफ सेल, इसलिए इन्हें ये कहा जाता है। ठीक है, जब आप जेनेटिक्स पढ़ोगे तो और क्लियर समझेगा, बस बेसिक जान लो। अगर हम साइटोस्केलेटन की बात करें, अब ये जो सेल है, सेल का जो भी ढांचा है वो कैसे बना है, साइटोस्केलेटन की मदद से। एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स इन साइटोप्लाज्म इज साइटोस्केलेटन, प्रोटीन फाइबर का एक एंडोस्केलेटन है। ठीक है, साइटोस्केलेटन का फंक्शन क्या है, सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करना, सेल का शेप मेंटेन करना, सेल की मूवमेंट और सेल ऑर्गेनेल की मूवमेंट में हेल्प करना, सेल ऑर्गेनेल की मूवमेंट में ये साइटोस्केलेटन हेल्प करते हैं। तीन तरह के फाइबर होते हैं, एक होते हैं माइक्रोफिलामेंट, एक होते हैं इंटरमीडिएट फाइबर्स, और एक होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फाइबर्स और माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोफिलामेंट क्या होते हैं और इंटरमीडिएट फाइबर क्या होता है और माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है। माइक्रोफिलामेंट की अगर बात करें, दे आर थिन सॉलिड कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिन प्रोटीन फाइबर। माइक्रोफिलामेंट क्या, ऐसे पतले पतले थिन फिलामेंट है, बट ये सॉलिड है, थिन है लेकिन सॉलिड है, और कॉन्ट्रेक्टाइल है। कॉन्ट्रेक्टाइल क्यों है, क्योंकि इनके पास एक्टिन प्रोटीन है।
तीन तरह के प्रोटीन फाइबर्स होते हैं साइटोस्केलेटन में, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फाइबर, माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल थिन सॉलिड फिलामेंट से एक्टिन प्रोटीन के, रिस्पॉन्सिबल फॉर सूडोपोडिया फॉर्मेशन, सूडोपोडिया फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। लाइक सूडोपोडिया मतलब फॉल्स फिट, लाइक अमीबा में जो सूडोपोडिया बनते हैं कि नहीं, सूडोपोडिया फॉल्स फिट जो हमने पढ़ा था वो बनाने में हेल्प करते हैं। इस साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। साइटोप्लाज्म जो होता है ना, साइक्लोसिस क्या होती है, साइटोप्लाज्म का ऐसा साइटोप्लाज्म का घूमना, स्ट्रीम करना, इसे हम कहते हैं साइक्लोसिस। साइक्लोसिस की साइक्लोस मतलब लाइक साइटोप्लाज्म की साइक्लोसिस में भी ये माइक्रोफिलामेंट हेल्प करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इंटरमीडिएट फाइबर्स में। इंटरमीडिएट फाइबर्स स्ट्रांग होते हैं, थोड़े स्ट्रांग होते हैं, दे आर ड्यूरेबल सॉलिड, मतलब से स्ट्रांग ड्यूरेबल होते हैं। दे आर कॉन्ट्रेक्टाइल जस्ट लाइक माइक्रोफिलामेंट्स, प्रेजेंट इन एधरिंग जंक्शन, जिसे हम डेस्मोसोम भी कहते हैं, सेल जंक्शन इन एनिमल। एनिमल में दो सेल्स के बीच में एक जंक्शन होता है, सेल्स के बीच में एक जंक्शन होता है, तो उस जंक्शन को हम कहते हैं डेस्मोसोम या एधरिंग जंक्शंस, ठीक है, जो कि सेल एनिमल सेल में इस तरह के एधरिंग जंक्शन या डेस्मोसोम जंक्शन जो है मैं एनिमल सेल में देखने को मिलते हैं। और क्या फंक्शन होता है इंटरमीडिएट फाइबर्स का, फिलामेंटस बास्केट बनाना अराउंड ऑर्गेनेल, मतलब लाइक एक ऑर्गेनेल उसके बाजू में ऐसा फिलामेंटस सा बास्केट बनाना, ये काम होता है इंटरमीडिएट फाइबर्स का। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ब्रॉड होते हैं और हॉलो से होते हैं, देखो ये हॉलो सा है कि नहीं, हॉलो होते हैं, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल, मेडअप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, देखो नाम से ही पता चला है ट्यूब्यूल ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है कि नहीं, तो इतना समझ आ गया। नेक्स्ट पे आते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। देखो माइक्रोट्यूब्यूल कैसा बनता है, हमारे पास कुछ सब्सटेंस होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिसे हम कहते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, तो दो तरह के होते हैं, अल्फा ट्यूब्यूलिन और बीटा ट्यूब्यूलिन, दो तरह के ट्यूब्यूलिन के मोनोमर्स होते हैं है कि नहीं, तो अल्फा बीटा ट्यूब्यूलिन के मोनोमर मिलते हैं और अल्फा बीटा ट्यूब्यूलिन डाइमर बनता है। क्या बनता है, अल्फा बीटा ट्यूब्यूलिन डाइमर बनता है। ये अल्फा बीटा ट्यूब्यूलिन डाइमर जो है, देखो मोनोमर मोनोमर मिलके बना है डाइमर, तो अल्फा बीटा ट्यूब्यूलिन डाइमर हमारे पास बना। अब ये डाइमर में क्या होगी, पॉलीमराइजेशन होगी, क्या होगी पॉलीमराइजेशन होगी, पॉलीमराइजेशन ऑफ ट्यूबुलिन डाइमर्स बाय माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर प्रोटीन। क्या होता है, एक MGP होता है, MGP मतलब माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर प्रोटीन, ये बनाता है प्रोटोफिलामेंट है कि नहीं। बहुत सारे अल्फा बीटा ट्यूबुलिन डाइमर मिल के बनाते हैं एक प्रोटोफिलामेंट। अब ऐसी प्रोटोफिलामेंट, ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट आपस में जुड़ते हैं, 13 प्रोटोफिलामेंट आपस में जुड़ते कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे घुसा दो बीच बीच में, 13 है कि नहीं, 13 प्रोटोफिलामेंट मिलते और ये बनाते एक सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल। कैसा बनता है, देखो ये क्या है, सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल, सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल, ये सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल कैसे बने हैं, 13 प्रोटोफिलामेंट्स से बने हुए। देखो जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 से 13 प्रोटोफिलामेंट, देखो ऐसे 13 एक दूसरे से प्रोटोफिलामेंट मिले और इन्होंने बनाया एक सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल। तो माइक्रोट्यूब्यूल बना है ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन ने बनाया अल्फा बीटा डाइमर से बना प्रोटोफिलामेंट। 13 प्रोटोफिलामेंट होते एक माइक्रोट्यूब्यूल में, ये बात याद रखना, 13 प्रोटोफिलामेंट्स, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हम बढ़ते हैं सेंट्रियोल क्या होता है, सेंट्रियोल क्या होता है, सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल से बन के बनाता है। सेंट्रियोल जो होता है एक तरह का सेल ऑर्गेनेल जो कि न्यूरॉन में और ओसाइट्स में, मतलब जो एग है उनमें नहीं मिलेगा और न्यूरॉन में नहीं मिलेगा। सेंट्रियोल क्या होता है, देखो सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, ये एक सेंट्रियोल होता है। जब हम इसे ऐसा कट करेंगे, सेंट्रियोल को ऐसा कट करोगे तो आप सामने से देखोगे, तो सेंट्रियोल में क्या होता है, तीन तीन माइक्रोट्यूब्यूल के जो है लाइक ट्रिपलेट, एक था सिंगलेट तो 1, 2, 3 मिले, उन्होंने बनाया ट्रिपलेट। देखो
ये बनाया ट्रिपलेट माइक्रो ट्यूब्यूल, एक दो तीन मिले। अब जैसे पहला माइक्रो ट्यूब्यूल से हमने कहा ए, दूसरे को हमने कहा, तीसरे को हमने कहा सी, एक को बी कहा, दूसरे को बी कहा, तीसरे को सी कहा। तो जो ए है वो ए सी के साथ जुड़ता है, ए सी के साथ जुड़ता है, ए सी के साथ जुड़ता है, इस तरह की कहानी होती है, ठीक है। तो ये सब किससे जुड़े होते हैं? ये सब प्रोटीन से जुड़े होते हैं, ठीक है। अभी जो ये जो जितने भी ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट जो है एक सेंटर पे आके जुड़ते हैं। ये सेंटर जो होता है इसे सेंट्रल हब कहते हैं, जो पूरा प्रोटीन से बना हुआ होता है, प्रोटीनिशियस होता है। और ये जो होता है ए और सी को जो जोड़ता है उसे हम कहते हैं ए सी लिंकर, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं कार्ट व्हील स्ट्रक्चर। तो ये होता है 9+0 अरेंजमेंट। मतलब क्या, यहाँ पर 9 ट्रिपलेट्स हैं, मतलब जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। तो 9 ट्रिपलेट, देर आर 9 ट्रिपलेट्स बट जीरो सिंगल, जीरो मतलब सेंटर में कोई माइक्रो ट्यूब्यूल है नहीं। तो 9+0 कहेंगे हम इस अरेंजमेंट को। तो अगर आपको क्वेश्चन में आए सेंट्रियोल की अरेंजमेंट कैसी है, तो है 9+0, है कि नहीं, लाइक 9 ट्रिपलेट है कि नहीं। और न्यूरॉन्स में या ओसाइट में एब्सेंट होते। अगर हम सेंट्रोसोम की बात करें भैया, सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रोसोम की अगर हम डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन स्ट्रक्चर फंक्शन सेल डिवीजन, सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रियोल पढ़ लिया हमने, जब दो सेंट्रियोल एक दूसरे से 90 डिग्री पे लोकेटेड है, सेंट्रियोल्स लोकेटेड एट 90 डिग्री टू ईच अदर, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू सेंट्रियोल्स एट राइट एंगल सराउंडेड बाय ट्रांसपेरेंट एमॉर्फस साइटोप्लाज्म कॉल्ड सेंट्रोसोफियर। देखो ये पूरा साइटोप्लाज्म है, ये है हमारे पास सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के आसपास जो साइटोप्लाज्म है ना उसे हम कहेंगे सेंट्रोस्फियर। क्या कहेंगे हम, सेंट्रोस्फियर, ठीक है। ये जो सेंट्रोसोम होता है ना ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के हमेशा करीब होता है, नियर होता है। अगर हम सेंट्रोसोम के फंक्शन की बात करें, सो फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के दौरान ये स्पिंडल फाइबर फॉर्म करता है, ठीक है। सेंट्रोसोम डुप्लीकेट प्रायर टू सेल डिवीजन, देन मूव टू अपोजिट पोल्स एंड फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स। मतलब क्या, सेंट्रोसोम जो है वो डुप्लीकेट होता है, सेंट्रोसोम डुप्लीकेट सेल डिवीजन से पहले, प्रायर मतलब पहले, सेल डिवीजन से पहले सेंट्रोसोम डुप्लीकेट होता है। जैसे ये एक सेंट्रोसोम है तो दो सेंट्रोसोम देखो, एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा, है कि नहीं। सो सेल डिवीजन देन मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल्स एंड फॉर्म स्पिंडल। सेल डिवीजन से पहले दो सेंट्रोसोम बनते हैं और अपोजिट साइड में आ जाते हैं, और ये देखो ये जो फाइबर्स दिख रहे हैं आपको, ये है स्पिंडल फाइबर्स बना लेते हैं, ठीक है। और सेंट्रोसोम कहाँ मिलते हैं, सेंट्रोसोम जो है वो बेसल बॉडी या ब्लिफेरोब्लास्ट बनाते हैं, सीलिया और फ्लैजेला। ये जो सीलिया और फ्लैजेला होते हैं ना उनकी बेस बनाते हैं ये सेंट्रोसोम, जिसे हम ब्लिफेरोब्लास्ट भी कहते हैं। अगर हम सीलिया और फ्लैजेला की बात करें, सीलिया और फ्लैजेला दे आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे आर कोर, द कोर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला इज नोन एज एक्सोनियम। जैसे ये सीलिया है, लाइक ये सीलिया और फ्लैजेला है, तो इसका जो कॉर्नर वाला एरिया है ना इसे हम कहेंगे एक्सोनियम, और इसका बेस जो है इसे हम कहेंगे ब्लेफेरोब्लास्ट, ब्लेफेरोब्लास्ट, ठीक है। सो हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला इज कॉल्ड एक्सोनियम, ठीक है। सो इस तरह का होता है सीलिया और फ्लैजेला। तो इसमें क्या होता है, इसमें 9 डबलेट होते हैं, देर आर 9 डबलेट्स, वहाँ ट्रिपलेट था। देखो ये, देखो ये एक माइक्रो ट्यूब्यूल है, देखो इसमें 13 प्रोटोफिलामेंट है। प्रोटोफिलामेंट की बात एनसीईआरटी ने नहीं की है और यहाँ मेंशन की है, देखो डायग्राम में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, इस तरह से जो है 24 लाइक प्रोटोफिलामेंट्स देखे रखे हैं, लेकिन 13 होते हैं, ये याद रखना, 13 होते हैं।
प्रोटोफिलामेंट 13 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पर रॉन्ग काउंटिंग है, 13 प्रोटोफिलामेंट मिलते हैं, ठीक है। पता नहीं क्या स्ट्रक्चर है इनका, लेकिन वो सब छोड़ो, मेन बात याद रखनी है कि यहाँ पर डबलेट्स होते हैं, यहाँ पर दो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, एक दो दो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, दो दो के डबलेट डबलेट होते हैं, कितने डबलेट होते हैं, 9 डबलेट्स होते हैं, है कि नहीं। और ये एक दूसरे, ये क्या होते हैं, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर होती है सेंट्रल शीथ, यहाँ पर क्या होती है, बीच में होती है सेंट्रल शीथ, और सेंटर में भी लोकेटेड होते हैं दो माइक्रोट्यूब्यूल, वहाँ पर क्या होती है सेंट्रो सेंट्रियोल में 9+0 अरेंजमेंट, यहाँ पर है 9+2 अरेंजमेंट। सेंट्रल शीथ मेड अप ऑफ डाइनिन प्रोटीन, डाइनिन प्रोटीन जो है ATPase की तरह काम करते हैं, ATP फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, सेंट्रल शीट इज मेड अप ऑफ डाइनिन प्रोटीन, याद रखना। फिर इसमें से निकलते हैं रेडियल स्पोक जो कि नेक्सिन प्रोटीन के बने होते हैं, और ये एक दूसरे के जो बीच में इंटर डबलेट ब्रिज है, ये भी नेक्सिन प्रोटीन का बना है, ये याद रखना। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 9+2 अरेंजमेंट होती है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डबलेट प्लस सेंट्रल में दो माइक्रोट्यूब्यूल सिंगल सिंगल दो, तो 1 2 9+2 अरेंजमेंट होती है, ठीक है, ये हो गया। अब फ्लैजेला और सीलिया के बीच में डिफरेंस देख लो, दैट सीलिया इज शॉर्टर, फ्लैजेलम इज लॉन्गर। सीलिया के पास थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होते हैं, फ्लैजेलम के पास 1 से 8 पर सेल होते हैं, मतलब क्या, एक सेल में हजारों सीलिया हो सकते हैं, एक सेल में ऐसे छोटे 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 हजारों सीलिया होते हैं। फ्लैजेलम जो होते हैं वो 1 से 8 होते हैं, मतलब एक में एक होगा, एक सेल में एक फ्लैजेला होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, और बहुत से बहुत 8 होगा। फ्लैजेला का साइज बड़ा होता है, वही सीलिया ऐसे छोटे 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 होते हैं। सिंक्रोनस कोऑर्डिनेटली मूवमेंट होते हैं, मतलब जैसे अगर सीलिया है ना, ये सीलिया अगर इधर जा रहे तो सारे सीलिया इधर जाएंगे, इधर सीलिया जा रहे तो सारे, मतलब कोऑर्डिनेट, ऐसा नहीं कि एक सीलिया इधर एक सीलिया इधर, कोऑर्डिनेट मूवमेंट होती है। इनका काम क्या होता है, लोकोमोशन, अटैचमेंट, फीट, सेंसरी फंक्शन हेल्प करते हैं। फ्लैजेला का सिर्फ एक ही काम होता है, लोकोमोशन, अटैचमेंट वगैरह ये सब सीलिया करता है। इनकी जो मूवमेंट होती है ना, ये सिंक्रोनस नहीं होती या कोऑर्डिनेटेड नहीं होती, अनकोऑर्डिनेटेड इंडिपेंडेंट मूवमेंट होती है। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस का साइज जो होता है 0.5 से 2 माइक्रोमीटर होता है, 0.5 से 2 माइक्रोमीटर होता है न्यूक्लियस का साइज। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, इट इज़ अ डायरेक्टर और कंट्रोलर ऑफ द सेल, व्हाई, बिकॉज इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल एंड इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल, ओके। हैमरलिंग एक साइंटिस्ट थे, ही कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट ऑन एसिटाबुलेरिया जो कि लार्जेस्ट प्लांट सेल था, टू प्रूव दैट मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इज डिटरमाइंड बाय द न्यूक्लियस। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें इन्होंने ये पता करा कि सेल की जो मॉर्फोलॉजी है वो डिसाइड करने वाला न्यूक्लियस ही है। न्यूक्लियस अगर दो है, दो न्यूक्लियस है, तो उसे हम कहते हैं डायकैरियोटिक। किस में देखने को मिलती है डायकैरियोटिक कंडीशन, पैरामेशियम में। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस जो है, अगर प्लांट्स में मिली, मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस, मतलब दो से ज़्यादा न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। प्लांट में मिली तो सीनोसिटिक, एनिमल्स में मिली तो सिंसाइशियल कंडीशन कहेंगे। प्लांट्स में दो प्लांट है, वोशेरिया और राइजोपस, जिसमें सीनोसिटिक कंडीशन देखने को मिलती है। एनिमल्स में सिंसाइशियल कंडीशन एपिडर्मिस ऑफ एस्कैरिस और स्केलेटल मसल्स में देखने को आपको मिलती है, ठीक है। न्यूक्लियस किस में एबसेंट होता है, आरबीसी में नहीं मिलेगा, मेच्योर आरबीसी ऑफ मैमल्स, सीव ट्यूब सेल्स में नहीं मिलेगा, प्लेटलेट्स में नहीं मिलेगा, ईस्ट जो खमीर होता है उसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। न्यूक्लियस हैज़ फॉलोइंग पार्ट्स, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन फाइबर्स और न्यूक्लियोलस। क्या क्या मिलता है, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन फाइबर और न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियर एनवलप क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, इसमें होती है न्यूक्लियर एनवलप,
न्यूक्लियर एंड मतलब दो लेयर की होती है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर और इनर के बीच में होती है स्पेस जिसे हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जिसका साइज होता है 10 to 50 नैनोमीटर, 3000 to 4000 जो होते हैं न्यूक्लियोपोर। देखो आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, इनके बीच में स्पेस होती है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, इसमें कुछ गड्ढे होते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। 3000 से 4000 न्यूक्लियर पोर जो है वो 10% ऑफ टोटल सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं। न्यूक्लियर पोरिन प्रोटीन हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म, चीज़ों को ट्रांसफ़र कर रहे हो आप किसके हेल्प से, न्यूक्लियो प्रोटीन। कितने होते हैं 3 से 4000, कितना परसेंट एरिया, 10% एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, जैसे कौन से सब्सटेंस, आरएनए है, प्रोटीन है, ये सारे सब्सटेंस। न्यूक्लियस से जुड़ी होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर न्यूक्लियर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होती है राइबोसोम्स अटैच। अब ये जो न्यूक्लियस है ना, ये पूरा न्यूक्लियस है, इसमें होता है एक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियर लेमिना क्या है? ये एक लेयर है, ठीक है, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं, एक लेयर है। इसके अंदर क्या, न्यूक्लियस के अंदर सारा जेनेटिक मटीरियल है। ये क्या है? पिंक वाला, ये है न्यूक्लियोलस। तो क्या क्या होता है? न्यूक्लियर एनवेलप, ये देखो, ये जो डबल लेयर है आउटर और इनर मेम्ब्रेन, ये सब कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डबल लेयर आउटर कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस इज न्यूक्लियर एनवेलप। फिर आ जाते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ये जो सारा स्पेस है ना, इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर आ जाते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स, ये जो डीएनए है, क्रोमेटिन है, ये आ गया हमारे क्रोमेटिन फाइबर। और न्यूक्लियोलस, ये जो पिंक कलर का, ये तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड न्यूक्लियस रिच इन न्यूक्लियोसाइड हेंस एल्कलीन। न्यूक्लियोसाइड से भरा हुआ होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड न्यूक्लियस रिच इन न्यूक्लियोसाइड हेंस एल्कलीन। पीएच कितना होता है? 7.2 से 7.5 पीएच होता है। अगर हम क्रोमेटिन फाइबर की बात करें, सो टर्म क्रोमेटिन जो है वो फ्लेमिंग ने दिया था, टर्म क्रोमेटिन फ्लेमिंग ने दिया था। क्रोमेटिन क्या होता है? इट इज़ अ इंटेंगल्ड मास ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन ऐसा इंटेंगल्ड, ऐसा गुच्छा हुआ पार्ट है न्यूक्लियो प्रोटीन्स का, ठीक है। क्रोमेटिन के अंदर क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है सेल की। ऑन कंडेंसेशन इट फॉर्म्स क्रोमोजोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अगर आप नॉर्मली सेल को देखोगे तो आपको उसमें क्रोमोजोम नहीं दिखेंगे। जब सेल डिवाइड होता है ना, तो क्रोमेटिन क्या करता है? क्रोमेटिन कंडेंस होता है और कंडेंस होता है, कंडेंस होता है, और इस तरह से जो है वो ऐसा लाइक क्रोमोसोम्स बनाता है। देखो ऐसा ऐसा क्रोमोसोम्स बनाता है, ठीक है। अगर हम क्रोमेटिन फाइबर के कंपोजिशन की बात करें तो उसमें होता है 40% डीएनए, 50% हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं बेसिक होते हैं, नेचर में एसिडिक नहीं होते, बेसिक होते हैं। 8.5% नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्लस 1.5% आरएनए। तो क्या होता है? 40% डीएनए है, 50% हिस्टोन प्रोटीन है, 10% में 8% 8.5% नॉन हिस्टोन प्रोटीन है और 1.5% आरएनए है। क्रोमेटिन फाइबर बनता कैसे? देखो पांच तरह के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं और कॉइल्ड डीएनए है कि नहीं। क्रोमेटिन फाइबर कैसे बनते हैं? हिस्टोन प्रोटीन और कॉइल डीएनए मिलके बनाते हैं क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है, ठीक है। तो पांच कौन कौन से होते हैं हिस्टोन प्रोटीन? एक होता है H1, एक होता है H2A, H2B, एक होता है H3 और एक होता है H4, H1, H2, H2B, H3, H4, ठीक है। तो ये जो चार होते हैं H2A, H2B, H3, H4, ये जो चार होते हैं, ये चारों मिलके बनाते हैं ऑक्टामर हिस्टोन कोर। मतलब लाइक दो H2A, दो H2B, दो H3, दो H4, मतलब 2 × H2A, H2B, H3, H4, ये मिलके बनाते हैं ऑक्टामर। मतलब आठ हिस्टोन प्रोटीन मिलके बनाए ऑक्टामर। ऑक्टामर, ऑक्टा मतलब आठ होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, आठ मिलके बना लिए। देखो जैसे यहाँ पर है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6, ये 7 और ये नीचे 8, H2A, H2B, H3, H4, ये इनके आठ ने बनाए क्या बोलते हैं हिस्टोन, ठीक है।
ये H1 का काम क्या है, ये लिंकर होता है, लिंकर हिस्टोन प्रोटीन लिंक्स एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम। अब ये न्यूक्लियोसोम क्या है, ऑक्टामर समझ गए? देखो जो भी क्रोमैटिन होता है ना, क्रोमैटिन फाइबर, वो छोटी छोटी यूनिट से बना है, न्यूक्लियोसोम से बना हुआ है। न्यूक्लियोसोम 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 मिलके बनाता है क्रोमैटिन फाइबर। न्यूक्लियोसोम कैसे बना है, ऑक्टामर हिस्टोन कोर प्लस लॉन्ग डीएनए, ऑक्टामर हिस्टोन कोर प्लस लॉन्ग डीएनए मिलके बनाता है न्यूक्लियोसोम। एक ऑक्टामर है प्लस इसमें देखो ऐसा डीएनए नीले कलर का, जो ये डीएनए है ये रैप हो रहा है, तो ये एक न्यूक्लियोसोम है और इसमें लगा है डीएनए, फिर ये डीएनए ने एक न्यूक्लियोसोम को और घेरा, फिर न्यूक्लियोसोम, तो ये मिल के बनाते हैं क्रोमैटिन। ये जो डीएनए है जो स्टोन को सराउंड करता है, वो कितना डीएनए होता है, वो होता है कम से कम अपना 144 बेस पेयर, 146 बेस पेयर का होता है, कितना होता है 146 बेस पेयर का होता है, लाइक डीएनए 146 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 54 है, 54 प्लस 146 क्या है, 200 बेस पेयर, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे न्यूक्लियोसोम में कितने डीएनए हैं, ये है 200 बेस पेयर, ठीक है, 200 बेस पेयर डीएनए होता है। तो यहाँ पर 146, यहाँ पर 54, तो ये कितना होता है, 200 बेस पेयर। अच्छा, इसकी लेंथ अगर आपको पूछे ऑक्टामर की, तो ये क्या है, 12.51 मीटर। सो इस तरह से होता है। अगर डीएनए के चार्ज की बात करें, वो होता है नेगेटिव। क्रोमैटिन फाइबर के दो रीजन होते हैं, डीएनए का चार्ज नेगेटिव होता है, ये समझ गए, क्रोमैटिन फाइबर के दो रीजन होते हैं, एक होता है यू क्रोमैटिन और एक होता है हेटरोक्रोमैटिन। यू क्रोमैटिन लेस कंडेंस होता है, कंडेंस मतलब ऐसा ऐसा, तो ये थोड़ा सा कम कंडेंस है कि नहीं, और ये ज़्यादा कंडेंस है हेटरोक्रोमैटिन। लाइटली स्टेन, अगर हम कलर करेंगे तो ये लाइटली स्टेन हो जाएगा, लाइक हल्का फुल्का कलर आएगा, लेकिन अगर हम इसे स्टेन करेंगे तो ये डार्क स्टेन होगा। न्यूक्लियोसोम की बात करें, अगर यू क्रोमैटिन में न्यूक्लियोसोम की बात करें, दे आर लीनियरली अरेंज, मतलब लाइक इस तरह से न्यूक्लियोसोम एक दूसरे से अरेंज होते हैं यू क्रोमैटिन में। लेकिन हेटरोक्रोमैटिन में ये लोग ऐसे सॉलिनॉइड सा बनाते हैं, ऐसे ऐसे एक लाइक ऐसे 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 सराउंड सा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम पढ़ेंगे जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे। यू क्रोमैटिन की बात करें, दे आर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, मतलब आरएनए बना सकते हैं, डीएनए से आरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन मतलब ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, मतलब दे कैन फॉर्म आरएनए, ओके। ये जो होते हैं ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं, मतलब ये आरएनए नहीं बना सकते, समझ जाओ। अब होता कैसे, ये हमारे पास डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, वॉटसन और क्रिक ने जो दिया था, जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो पढ़ाऊंगा। तो ये क्या है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इस तरह का डीएनए है। अब हमारे पास है ऑक्टामर, अब ये ऑक्टामर के ऊपर जुड़ेगा इस तरह से डीएनए, लाइक देखो ऐसा डीएनए लाइक जुड़ नहीं रहा है कि नहीं, तो जब डीएनए इस ऑक्टामर कोर के साथ मिल जाता है तो ये बनाते हैं न्यूक्लियोसोम, है कि नहीं। इसकी लेंथ कितनी, 11 नैनोमीटर। डीएनए वाइंड्स अराउंड कोर पार्टिकल्स टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम 11 नैनोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। फिर क्या होता है, ये और जुड़ता है न्यूक्लियोसोम के साथ, और जुड़ता है और जुड़ता है और जुड़ता है, राइट, है कि नहीं, और जुड़ने लग गया और कंडेंस होगा। सो न्यूक्लियोसोम्स फोल्ड अकॉर्डिंग लाइक इनटू जिगजैग एंड 30 नैनोमीटर फाइबर फॉर्म, 30 नैनोमीटर का डायमीटर बन जाता है, ठीक है। अभी और कंडेंस हो गया और कंडेंस हो गया और कंडेंस हो गया, और ये बना देंगे 300 नैनोमीटर का फाइबर, ठीक है। फिर और कंडेंस हो गया और कंडेंस हो गया, ये बना देंगे 7 नैनोमीटर का डायमीटर। इन डिवाइडिंग सेल्स लूप क्रोमैटिन कॉइल्स फर्दर, मतलब जो भी डिवाइडिंग सेल है उसमें जो क्रोमैटिन है ये और फर्दर जो है कॉइल होगा, और 700 नैनोमीटर का फाइबर बनेगा टू फॉर्म क्रोमैटिड। क्रोमैटिड बना दिया, ये एक क्रोमैटिड, फिर और कंडेंसेशन होगा, क्रोमोसोम एट द मिड पॉइंट मेटाफेस ऑफ सेल डिवीजन। तो ये एक स्ट्रक्चर क्या, इसे हम कहेंगे क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। तो ये जो एक है,
ये क्या है, एक क्रोमैटिड है, क्रोमैटिड है कि नहीं, क्रोमैटिड अब बन गए, क्रोमैटिन से क्रोमैटिड बन गए, यहाँ पर ही क्रोमैटिड बन गए थे, अब क्रोम यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर क्रोमैटिड बन गए थे, अब क्रोमैटिड से क्रोमोसोम्स बन रहे, कैसे, दो सिस्टर, एक क्रोमैटिड और यहाँ पर एक और क्रोमैटिड, यहाँ पर एक और क्रोमैटिड, अब क्रोमैटिड और क्रोमैटिड है कि नहीं, क्रोमैटिड क्रोमैटिड मिल जाएंगे और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम, ये दोनों आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। तो क्रोमोसोम समझ गए आप, क्रोमोसोम कैसे बनता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर से, 700 नैनोमीटर का डायमीटर होता है, न्यूक्लियोलस पे आ जाता है, इट इज़ अ स्फेरिकल नॉन मेम्ब्रेनस हॉलो स्ट्रक्चर, नॉन मेम्ब्रेनस होता है, इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती और खोखला होता है, इसके पास आरआरएनए सिंथेसिस के लिए जीन्स होते हैं, कौन कौन से आरआरएनए बनाने के जीन्स होते हैं, 28S, 5.8S, 18S आरआरएनए बनाने के लिए जीन्स होते हैं, 5S आरआरएनए एक्स्ट्रा न्यूक्लियोलस होता है, मतलब न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियोलस के बाहर होता है 5S आरआरएनए का जीन, इट असेंबल्स 60 and 40S सब यूनिट्स इन राइबोसोम्स, लाइक जो 80S राइबोसोम्स हैं उनकी जो यूनिट है 60 और 40, वो जुड़ी कैसे, वो जुड़ी है इस न्यूक्लियोलस के अंदर, क्यों, क्योंकि उसके पास कुछ प्रोटीन्स हैं, सो ऑल्सो नोन एज राइबोसोमल फैक्ट्री ऑफ सेल, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे राइबोसोम्स बन रहे हैं, 60 40S मिल रहे हैं, इसके लिए जीन्स है वो सब। अब चैप्टर ख़त्म होने में ही है, क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें, अ क्रोमोसोम्स शोइंग, देखो ये जो क्रोमोसोम है इसे हम सैट क्रोमोसोम कहते हैं, दे आर सैट क्रोमोसोम, सैटेलाइट क्रोमोसोम, क्यों, देखो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर ना एक गड्ढा होता है, क्रोमोसोम्स के बीच में ना ऐसा एक गड्ढा होता है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेंट्रोमियर, गड्ढे को क्या कहेंगे, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मतलब गड्ढा या सेंट्रोमियर, इसके ऊपर क्या होती है, एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं काइनेटोकोर बॉडी, क्या कहते हैं हम, काइनेटोकोर बॉडी, काइनेटोकोर बॉडी क्या है, इट इज़ अ एक्चुअल साइट फॉर स्पिंडल अटैचमेंट, काइनेटोकोर बॉडी से ही स्पिंडल अटैच होती है, ठीक है, जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब पता चलेगा। अब ये क्रोमोसोम का ये जो ऊपर वाला एरिया है कि नहीं, है कि नहीं, इसे हम कहेंगे टीलोमियर, लेकिन ये जो नीचे है ना एक कंस्ट्रक्शन आ गई, एक और कंस्ट्रक्शन आ गई जिसे हम कहेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या एनओआर, एनओआर में क्या होता है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, एनओआर मतलब न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन, ये क्या करता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ये बनाता है न्यूक्लियोलस को, तो ये जो क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है ना ये बनाएंगी न्यूक्लियोलस, एनओआर भी जिसे हम कहते हैं, ऊपर में कोई न्यूक्लियर कंस्ट्रक्शन नहीं है जिसे हम, अगर नहीं है तो टीलोमर कहेंगे ये एरिया को, ठीक है, अ क्रोमोसोम शोइंग न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन रीजन, अगर हम क्रोमोसोम की बात करें, ठीक है, तो क्रोमोसोम्स में चार तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइक क्रोमैटिड्स किस तरह से अरेंज है, ठीक है, अगर अगर दोनों आर्म्स एक दूसरे के इक्वल है तो इसे हम कहेंगे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, अगर ऊपर वाला आर्म शॉर्ट है नीचे वाला लॉन्ग है इसे कहेंगे सब मेटासेंट्रिक, अगर और छोटा है, अगर और छोटा है कि नहीं, तो इसे हम कहेंगे एक्रोसेंट्रिक, और एकदम गायब हो गया तो हम कहेंगे टीलोसेंट्रिक, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि स्टार पॉइंट है, ये याद रखना, इक्वल है तो मेटासेंट्रिक, बड़ा ऊपर वाला शॉर्ट है नीचे वाला लॉन्ग है तो सब मेटासेंट्रिक, ऊपर वाला बहुत ही शॉर्ट है तो एक्रोसेंट्रिक, अगर गायब भी हो गया तो टीलोसेंट्रिक। अगर हमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखना है तो बेस्ट स्टेज क्या है, मेटाफेस, लेकिन अगर हमें शेप देखनी है तो एनाफेस, एना कैसे याद रखना, एना मतलब एक गर्ल है जिसका शेप लाइक वो फिटनेस में बहुत ध्यान रखती है, सो एनाफेस मतलब बेस्ट शेप टू स्टडी क्रोमोसोम्स, लेकिन अगर हमें स्ट्रक्चर देखना है तो स्ट्रक्चर हमें देखना है स्ट्रक्चर मेटाफेस का। माइक्रो बॉडीज के बारे में दिया है, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स इज कॉल्ड माइक्रो बॉडीज दैट कंटेन वेरियस एंजाइम आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। माइक्रो बॉडीज क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, इसमें अंदर एंजाइम्स होते हैं। अब ये समरी आप खुद पढ़ लो, क्लास को करते हम एंड, हाँ थक गए भैया,
एंड, लेकिन थकना नहीं है, रुकना नहीं है, बस चलते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, है कि नहीं? प्लांट सेल और एनिमल सेल का जो डिफरेंस है वो मैंने लिखा है ऑलरेडी, आप पढ़ लेना। अगर उसमें अगर आपको डाउट आ रहा है तो मुझे पूछ लेना, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत बढ़ जाएगा, इतना कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है? तो आप समझ लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। आई होप आपको क्लास पसंद आएंगी। अभी PDF डाल देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। टिल देन, जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।